April 22nd, 1981। और अब हम करने जा रहे हैं पहले प्रेयर, उसके बाद इस रिकॉर्डिंग को मैं अपलोड कर दूंगी। मीनवाइल आपको ये चीज याद दिला दूं कि अगर आपने कल का सेशन मिस कर दिया हो तो हम लोग सैटरडे यानी कि 9 जुलाई को रात को 11 बजे हम एक्चुअली 11:11 पे करना चाहिए, हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव मेडिटेशन मदर अर्थ के लिए, ह्यूमैनिटी की आजादी के लिए। क्योंकि ये जो कुछ भी चल रहा है ना 2-3 साल से, इस जंजाल को तोड़ना है, और उसके लिए जितने ज्यादा लोग मिलकर मेडिटेशन करें उतना बेहतर होगा। तो ज्वाइन करना मत भूलना। अब मैं रिकॉर्डेड वर्जन डालूं या मैं लाइव आऊं, जो कुछ भी होगा आई विल बी देयर एट 11 o'clock टू हेल्प यू थ्रू दैट मेडिटेशन। ऑल राइट, एक बात और मुझे बतानी थी, कल है 9 जुलाई 2022 का टोटल है 42 में अगर आप जुलाई का 7 जोड़ो तो 49 होता है। 49 में आप कल की 9 तारीख जोड़ लो तो वो हो गया 58 नंबर होता है एक तरह से जस्टिस का। जब पहली बात तो 9 जुलाई तो 9 नंबर है एंडिंग्स का, कुछ चीजों के खत्म होने का वक्त आ गया। 7 नंबर मंथ स्पिरिचुअलिटी का, 58 नंबर है कि अब जस्टिस का वक्त आ गया, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है और शनि जस्टिस करता है, और जस्टिस करने के लिए 5 नंबर कुछ चीजों को तोड़ेगा, खत्म करेगा, और उससे जब जस्टिस होगी तो 5 and 8 का टोटल 13 का टोटल 4, 13 नंबर डेथ का, मतलब के एक नई शुरुआत होगी, कुछ खत्म होगा और उससे एक नई शुरुआत होगी। सो इट्स अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर द डे एंड टाइम जो हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम 11:11 पे शुरू करते हैं मेडिटेशन, आई एम सॉरी हमारा टाइम 11 बजे का है, हो सकता है हम 11 बजे शुरू कर लें। इनफैक्ट मैंने टाइम 10:45 का दिया है ताकि उससे 10 मिनट पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या करना है कैसे नहीं करना। तो अगर हम 11:11 पे शुरू होते हैं तो 11:11 का टोटल भी 4 होता है, और 4 तारीख को 4 नंबर, इट्स अ ब्यूटिफुल सिंक्रोनाइजेशन, दैट्स व्हाट आई फील। खैर वो तो कल क्या होगा कल देखेंगे, फिलहाल अभी हम प्रेयर शुरू करेंगे और प्रेयर के बाद हम सेशन शुरू करेंगे। जी पा कंटिन्यू। हाँ तो मैम प्रेयर शुरू करते हैं। तो प्रेयर है कि लॉ क्या है, तो जवाब है लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं, जवाब है क्योंकि रा उस हम्बल मैसेंजर, एक हम्बल मैसेंजर है उस अंत रचयिता का, उसकी प्रेम और रोशनी का और लॉ ऑफ वन का। अब हम और रा मिलकर जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, चाहे वो टीम्स पर हो, यूट्यूब पर हो, या सुनने वाले हैं, उनके दिलों पर, उनके परिवारों पर, उन पर जिनकी वो वेल विशेस चाहते हैं, उन पर, उनके घरों पर अपने अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं, और किसी भी नेगेटिव एंटिटी को या थॉट फॉर्म को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। आप प्रोसीड करें मैम। ओके, तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक ये पिक्चर मिला था मुझे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप सबको नजर आ रहा है? जी मैम। हाँ मैम आ रहा है। सो ये यहाँ से ये सारे वो चक्र बता रहा है जो आपके सर के ऊपर सहस्रारा के ऊपर होते हैं और आपके मूलधार के नीचे होते हैं,
और कहां से एक से शुरू होके दूसरे से जुड़ के फिर वो कैसे स्पाइरल बनता जाता है. तो आई जस्ट थॉट इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर और इसका इसकी बहुत चक्रों की बात हो रही है, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट. ओके, सेशन 48. डॉन कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार्ला की तबीयत कैसी है, और रा कहता है कि उसकी तबीयत सुधर रही है, जैसे कि आप लोग अपने भाषा में बोलते हो या मेजर करते हो. पिछली बार आपने जैसा बोला, मतलब जब पिछली बार हमारा कांटेक्ट हुआ था उससे उसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम है. खैर, तो डॉन कहता है कि मेरे पास एक सवाल है कार्ला का जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. आपने कई बार कहा है कि सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर उसके ऊर्जा के लिए, उसकी ताकत के लिए और इस कांटेक्ट के लिए मदद करती है. मतलब अगर वो ऐसा करती है, संभोग करती किसी के साथ, तो उससे उसका फायदा होता है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सबके लिए सही नहीं है. That the sexual circuitry and the spiritual circuitry are not the same. Sex करने से spiritual connection जो होता है और एक connection जो दो लोगों के बीच में बनता है circuitry का, वो सबके लिए फायदेमंद नहीं होता. And in this instrument and anomaly, is this instrument and anomaly, is it the positive signal on spiritual energy normal call third? ये आप जो मुझे कार्ला के बारे में बता रहे थे, क्या ये एक मुझे आप उदाहरण दे रहे हो कि उसके लिए ये अलग है क्योंकि ये कुछ स्पेशल है, या ये सेक्सुअल एक्टिविटी का असर है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पे? मतलब नॉर्मली हर इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी पे क्या ऐसा असर होता है? तो रा जवाब देता है. हाँ, तो मैम रा बोलता है, दिस इंस्ट्रूमेंट दो नॉट अनोमलस इज समवट लेस डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट देन मेनी ऑफ योर थर्ड डेंसिटी एंटिटीज. द एनर्जीज ऑफ सेक्सुअल ट्रांसफर वुड इफ रन थ्रू द अनडेवलप्ड स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विच यू कॉल सर्किटरी इफेक्चुअली ब्लो आउट दैट पर्टिकुलर सर्किट. कॉन्ट्रैरली, the full spiritual energies run through bodily complex circuitry will also contrarily the full spiritual energies run through the bodily complex circuitry will also adversely affect the undeveloped circuitry of the mind body spirit of the bodily complex. So ma'am ra yahan par ye keh raha hai ki dekho ye jo Carla hai na, halanki ye dusron se alag nahi hai, lekin tumhe phir bhi bata de ki iske dimag mein na vibhajan, iske dimag sharir aur atma mein किसी तरीके का विभाजन है नहीं, जो कि तुम्हारी तीसरी घनत्वता में ज्यादातर लोगों के अंदर पाया जाता है कि उनके अंदर दिमाग में, शरीर में और आत्मा में तीनों में विभाजन होता है उनका. कह रहे ये जो सेक्स के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, कहते कि ये अगर मान लो किसी का इस तरीके का ना हो ना, मतलब विभाजन हो उस दिमाग में, उसकी आत्मा में और इसमें, कह रहे इस तरीके का अगर कोई किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, किसका विकास इस तरीके से नहीं हुआ है जो इसको ढंग से लेके चले, मतलब एक करे अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को, कह तो उस केस में उसकी उसका आत्मिक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेट वाला कॉम्प्लेक्स, जिसको तुम अपने दिमाग के सर्किट बोलते हो ना, कह रहे और शरीर के भी सर्किट होते हैं क्योंकि दिमाग से उस शरीर पूरा कनेक्टेड रहता है. कह रहे वो जितने भी होते हैं ना, वो उनकी जो प्रपोर्शन होती है, मतलब जो उनके हिस्से होते हैं ना, वो अपनी वो ऊर्जा फटके वहां से बाहर निकल जाती है, मतलब अंदर ही अंदर वो उस सर्किट से ही बाहर निकल जाती है. जैसे ये बिल्कुल ऐसा है मैम, तार है, तार कहीं से कट गई और वहां से करंट बाहर बाईपास हो रहा है, कह रहे तो वो हो जाती है. कहते हैं कि इसके इसके उल्टा ये भी देखना, अगर मान लो किसी की किसी को आत्मा के लेवल पे अगर उसका नहीं हो पाया ना, मतलब आत्मा के लेवल पे उसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, कह रहे उस केस में भी ये होता है कि ये जो सर्किट होता है अंदर, क्योंकि आत्मा भी जो दिमाग से कनेक्टेड रहती है मैम, उसका भी अपना सर्किट होता है. कहते हैं कि अगर वो भी अगर ऐसा होता है ना, तो उसमें से भी ये फटके बाहर निकलने लग जाती है ये वाली ऊर्जा, कह रहा है, और इसका असर जाके उस व्यक्ति के शरीर पे पड़ जाता है अगर वो उसका आत्मा, दिमाग और शरीर एक एक तरीके से, मतलब अगर विभाजित हो. तो फिर उसके आगे वो कहता है, सम देयर आर
such as this instrument who have not in particular incarnation chosen at any time to express sexual energy through the bodily circuit. Thus, from the beginning of such entities experience the body and spirit expressed together in a sexual action. Thus, from the beginning of such an entity, entities experience the body and spirit expressed together in any sexual action. Therefore, to transfer sexual energy for this instrument is to transfer spiritually as well as physically. This instrument's magnetic field, if scrutinized by one sensitive, will show these unusual configurations. So, वो कह रहा है देखो, तुम्हारे यहाँ पे कुछ लोग तो हैं ऐसे, जैसे ये कार्ला है, कह रहे कि जिनका जो जन्म हुआ है ना यहाँ पर, कह रहे कि उन्होंने चूज किया था कि हाँ वो अपने आप को ये सेक्स को शारीरिक रूप से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके सेक्स के द्वारा. कह रहे कि इसके लेकिन अगर इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से अगर केवल शरीर और आत्मा के लेवल पे इसको करे ना, तो वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसमें उसके दिमाग का भी इस्तेमाल होना जरूरी है. कहते हैं कि इसलिए हम तुम्हें कहते हैं ये जो सेक्सुअल ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का, ये जो सेक्स का ट्रांसफर होता है इन ऊर्जाओं का, तो अगर ये आत्मा के द्वारा ना किया जाए ना, अगर आत्मा का इसमें इस्तेमाल ना हो और शरीर का और दिमाग का, कहते तो इसका वो उतना फायदा होता नहीं है. कह रहे ये जो तुम कार्ला की बात कर रहे हो ना, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे तुम चेक कर सको इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम देखोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाकी लोगों से काफी अलग दिखेगी तुम्हें, इसकी अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी क्योंकि इसकी तीनों चीजें सिंक में है बिल्कुल. दिस इज नॉट यूनिक टू वन एंटिटी बट इज कॉमन टू अ रीजनेबल नंबर ऑफ एंटिटीज हु हैविंग लॉस्ट द डिजायर ऑफ ऑरेंज एंड ग्रीन रे सेक्सुअल एक्सपीरियंस हैव स्ट्रेंथन्ड द कंबाइंड सर्किटरी ऑफ स्पिरिट माइंड एंड बॉडी टू एक्सप्रेस द टोटैलिटी ऑफ बीइंगनेस इन ईच एक्शन. It is for this reason also that the social intercourse and companionship is very beneficial to this instrument, it being sensitive to the more subtle energy transfers. कह रहे कि हम तुम्हें ये बता दें कि हालांकि ये यूनिक नहीं है, मतलब केवल कार्ला के केस में, कह रहे ऐसे और भी लोग हैं तुम्हारी धरती के ऊपर जो इस तरीके के हैं. कह रहे कि जिनका जिन्होंने ऑरेंज चक्र, अपना जो ऑरेंज चक्र है और जो हार्ट चक्र है, यारे उसको ना इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि उनके अंदर ही सेक्स की डिजायर ही नहीं है. अब उनके अंदर ही इच्छा नहीं है इसको करने की. कह रहा इसका इस्तेमाल, इस सर्किट के इस्तेमाल, हालांकि क्योंकि उनका दिमाग शरीर और आत्मा तीनों सिंक में रहते हैं, कह रहा इसका इस्तेमाल वो अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, और अपने जो भी उनके एक्शन, जो उनके कर्म होते हैं, कह रहे उसमें नजर आने लग जाता है ये. कह रहे इस वजह से हम तुम्हें कह रहे हैं कि जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो मतलब मान लो सेक्सुअल एनर्जी का ना करे इस्तेमाल, लेकिन अपने हार्ट चक्रा और येलो चक्रा को इस्तेमाल करके इस एनर्जी का इस्तेमाल ना करते हुए अगर आगे निकले, तो कहते हैं वो इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि वो जितने जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर बात करना और लोगों से दोस्ती और इस तरीके का उनका एक बिहेवियर हो जाता है, तो उन्हें ग्रुप में प्रवचन या कह लो या इस तरीके का उनका हो जाता है धीरे धीरे, प्रवचन कह लो या नॉलेज दूसरों को बांटना, कह रहे उनका इस तरीके का भी हो सकता है. कह रहे कि हम तुम्हें बता दें ये बहुत ही सेंसिटिव एनर्जीज होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है. और कार्ला के केस में क्योंकि कार्ला बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए उसके वो जो तीनों चक्र है ना, वो तीनों जो ये दिमाग शरीर और आत्मा, उसका सिंक भी बहुत अच्छा है और सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है. कह रहे वो इसको सेक्सुअल के इंटरकोर्स के थ्रू बिल्कुल ऐसे करती है जैसे वो स्पिरिचुअल लेवल पे इसको कर रही हो. उसके लिए केवल सेक्स नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है उसके लिए. ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आया आपने क्या बोला. हाँ मैम, उसमें वो यही कह रहा है कि सिंपल सा जवाब ये था, उसने पूरी कहानी गा दी. सिंपल सा जवाब ये था कि जो कार्ला है ना, कार्ला की जो ऊर्जा है, कह रहा है कि ये हर किसी के केस में नहीं होता है ऐसा, लेकिन कार्ला का क्योंकि दिमाग शरीर और आत्मा तीनों सिंक में है, इस वजह से वो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसको स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे ले जाके करती है. इस वजह से उसकी जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी चेंज होती रहती है और बहुत ही अलग है बाकी लोगों से. कहते हैं कि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि लोग ऐसे हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी धरती पे ऐसे लोग नहीं है, हैं ऐसे लोग जो इसको इसलिए नहीं करते हैं कि हाँ जी बस करना है, वो इसलिए करते हैं उनके लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है उसको उनके लिए. यहाँ पे जो उसने कहा reasonable number of entities who having lost the desire for orange and green ray sexual experiences, iska matlab kya hai,
लॉस्ट द डिजायर फॉर ऑरेंज. ऑरेंज इज लोगों के साथ घुलना मिलना, ग्रीन इज लव, मतलब कि वो ये कह रहा है कि लोगों से प्यार नहीं करते बल्कि सिर्फ अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं. मतलब वो प्यार की वजह से सेक्स नहीं करते या प्यार की वजह से करते हैं, ये दोनों में से कौन सा बोल रहा है ये? मैं कंफ्यूज्ड हूँ. नहीं मैम, वो ये कह रहा है कि इसी केस में, जैसे तुमने कारला का लिया ना, कह रहा है इसी केस में और भी लोग हैं तुम्हारे यहाँ जिन्होंने ऑरेंज और ग्रीन चक्र जो है ना उसका इस्तेमाल सेक्सुअल एनर्जी के लिए नहीं किया है, उन्होंने अलग तरीके से किया है इसका इस्तेमाल. वो अपनी नॉलेज, अपना विजडम उसको शेयर करके, वो कह रहा है ना सोशल इंटरकोर्स. सोशल इंटरकोर्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है. वो कह रहा है सोशल इंटरकोर्स एंड कंपेनियनशिप इज वेरी बेनिफिशियल टू दिस इंस्ट्रूमेंट. वो कह रहा है वो इस तरीके से ही करते हैं, कह रहा है और यही तरीका जो है, मतलब सेक्सुअल एनर्जी का तो करती करती है, लेकिन दूसरों से घुलना मिलना और दोस्ती करना लोगों से ये भी बहुत बेनिफिशियल है कारला के लिए, अगर कारला इसका इस्तेमाल करे, क्योंकि सेंसिटिव बहुत है ये. दोनों चीजें इसके लिए जरूरी है, केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होगा, इसके लिए दोनों चीजें चाहिए इसको. दूसरों से घुलना मिलना भी इसको बहुत जरूरी है इसके लिए, और दूसरों से दोस्ती करना भी बहुत जरूरी है इसके लिए. अगर वो ना हो तो केवल सेक्सुअल एनर्जी से इसका कुछ नहीं हो पाएगा. अच्छा ठीक है, तो फिर वो कहता है, डॉन पूछता है कि अगर आप रा एक अपना अकेले आप अगर धरती के ऊपर जन्म लो और आपको सब कुछ याद रहे और आपको सब कुछ पता हो कि जो आपको अब पता है, तो धरती पे आने का आपका मकसद क्या होगा और उसके हिसाब से आपके कर्म क्या होंगे? तो मैम ये रा जवाब देता है, कहता है द क्वेरी सजेस्ट दैट व्हिच हैज बीन लर्न्ड टू बी इम्प्रैक्टिकल. अच्छा, हाउएवर वर वी टू गेन बी अगेन बी नाइव इनफ टू थिंक दैट आवर फिजिकल प्रेजेंस वाज एनी मोर इफेक्टिव देन द लव लाइट वी सेंड योर पीपल एंड द ट्रेजर ऑफ दिस कॉन्टैक्ट. We would do as we did do. We would be and we would offer ourselves as teach learners. अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारा सवाल है ना, ये काफी इम्प्रैक्टिकल है कि मतलब अब हम छठी गणतवता से उठ के यहाँ पर आ जाए. कह रहे लेकिन हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि हम पहले भी भोले से ही थे, कह रहे आज भी भोले से ही हम. कह रहे कि जैसे हम पहले थे वैसे ही हम यही करते. कह रहे जैसे कि अगर हम फिजिकल उसमें आ जाए, मान लो तुम्हारे यहाँ पैदा हो जाए, तब भी हमारा वो जो लव लाइट वाला जो शेयर करने वाला जो बिहेवियर है ना, कह रहे वो वैसे का वैसे ही रहेगा हमारा. अब तुम्हारे लोगों को इस तरीके से देने का प्रेम प्यार रोशनी उस अनंत रचयिता के बारे में और ये सारी चीजें बताने का ही रहेगा हमारा. कह रहे और ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये जो हमारा तुम्हारे से बना हुआ है, कह रहे इसको तो हम ट्रेजर की तरह वो मानते हैं कि ये तो हमने एक बहुत एक अच्छा सा ट्रेजर लगा है हमारे हाथ में कि हम तुम लोगों से शेयर कर पा रहे हैं. कह रहे कि हमने जो अभी किया है ना तुम्हारे साथ, कह रहे वो ही करते हैं हम अगर तुम्हारी धरती पे आ जाते, कि हम लोग अपने आप को ऑफर करते दूसरों को सीखने और सिखाने के लिए अपनी, क्योंकि नॉलेज तो ठेठ दिमाग में रही जाती ना, वेल ऑफ फॉरगेटिंग लग जाती, वो बात और है. कह रहे लेकिन तब भी हमारा काम इस तरीके का होता, सब कुछ याद रहता तो फिर याद रहता याद रहता तब भी वो कह रहे हम तो सीखने और सिखाने का ही काम करते हम, और कुछ नहीं कि तुम सोच रहे होते कि हम यहाँ पे वो कर देते कुछ जादू और वो सारी चीजें करते, नहीं हम सीखने सिखाने का ही काम करते. तो डॉन कहता है कि इस वक्त आप जितना जानते हो वो जानते हुए हमारे धरती के बारे में और हम जिस तरह से बात करते हैं एक दूसरे से उस बारे में, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, अगर आप एक एंटिटी या इंडिविजुअल के हिसाब से यहाँ पर पैदा हुए होते, मतलब जिस तरह से बाकी सब लोग पैदा होते हैं, जैसे हम सब यहाँ पर एक वांडरर के हिसाब से पैदा हुए होते, एंड नाउ हैव अ मेमोरी ऑफ अ सफिशिएंट वे टू हैव द ऑब्जेक्टिव दैट यू जस्ट स्टेटेड, और अभी आपने जो बताया बस उतना करने के लिए आपके पास मेमोरी होती कि आप उतना कर पाओ, व्हाट मैकेनिज्म्स वुड यू सीक आउट फॉर द प्रोसेस ऑफ टीचर? आप लोगों को जो भी सिखाने आए हो किस तरह से सिखाते, आपका कम्युनिकेशन का लोगों को ये चीजें सिखाने का तरीका क्या होता, किस तरह सिखाते आप? बड़ा प्यारा जवाब देगा मैम रा, देखना. रा कहता है मेरे भाई हम इस चीज को जो तुम बोल रहे हो ना, कह रहे हम इसको देख रहे हैं और तुमने ना हमारी कुछ अनकही तारे छेड़ दिए, क्योंकि मैम उसने कहा था ना
दो वो तो हमारे सिक्स डेंसिटी के आए हुए हैं, तो राग की एकदम से वो तार छिड़ गई कि देख मेरा भाई मेरे से ये पूछ रहा है, तो वो इमोशनल हो गया होगा वहां पे, जहां तक मेरा अंदाजा है बहुत इमोशनल हो गया होगा। कह रहा है कि हम तुम्हारी इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं और इस वजह से हम तुम्हें कह रहे हैं कि मेरे भाई हम तुम्हारी आजादी का उल्लंघन नहीं कर सकते ये इस सवाल का जवाब देकर। मतलब रा इमोशनल हो गया, पक्की बात है रा यहाँ पे इमोशनल हुआ है कि मेरे भाई ने वही सवाल पूछ लिया, क्योंकि अगर ये नहीं जाता तो मैं जाता, और ये यहाँ पर सिचुएशन में है और इसको देख के मुझे दुख भी होता है कि ये सिचुएशन में है, तो उसकी वो इमोशनल वाली तार छिड़ गई थी, इसलिए उसने इस तरीके का जवाब दिया। लेकिन फिर भी मैम उसने देखो उसकी आजादी के उल्लंघन का ध्यान रखा कि मैं जवाब नहीं दूंगा इसका। आजादी का उल्लंघन और लॉ ऑफ फ्री विल के हिसाब से जीना बहुत मुश्किल है भाई। छोटी छोटी चीजें, यही हम लोगों को बचपन से सिखाया होता तो हम लोगों को आदत होती, लेकिन खास करके हिंदुस्तान में तो इसे बिल्कुल नहीं सिखाया गया। उल्टा हिंदुस्तान में तो सबको उल्टा ही सिखाया गया कि हर एक की आजादी का उल्लंघन करो, तुम चाहो ना चाहो तुम्हारे साथ ऐसा करना है। वो बाहर के देशों में फिर भी थोड़ा सा रखते हैं उसको, खास करके बच्चों की परवरिश में, यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत मुश्किल है। तो डॉन कहता हाँ मुझे इस चीज का डर तो था। मेरा जो लेक्चर था कल जिसमें बहुत कम लोग आए थे, इफ दिस हैड अकर्ड ड्यूरिंग एन यूएफओ फ्लैप एज वी कॉल देम मेनी मोर वुड हैव अटेंडेड, अगर यूएफओ फ्लैप जैसा हम उसे कहते हैं हुआ होता तो और बहुत लोग आए होते, लेकिन कल बहुत कम लोग आए। बट सिंस ओरायन एंटिटीज कॉज द फ्लैप्स प्राइमरली, व्हाट इज ओरायन्स रिवॉर्ड? ये यूएफओ फ्लैप आमतौर पे ओरायन के लोग करते हैं, लेकिन उन्हें ये करके उन्हें क्या मिलता है? For visibility in that they actually create greater chances and opportunities for dissemination of information such as mine at this time. For visibility in that they actually halaki aisa karne se opportunity, I can't explain this sentence pa hindi mein, aap hi batao bhai please. तो मैम ये इस सवाल में वो ये कह रहा है कि कल मैंने एक लेक्चर दिया था तो हालांकि कम लोग थे उसमें, अगर ये लेक्चर मैंने तब दिया होता ना जब अचानक से लोगों को बहुत सारे यूएफओस दिखने लग जाएं, क्योंकि ओरायन भी जब उसको विंडो खुली हुई दिखती है तो ओरायन उस विंडो से घुस जाता है अंदर, और जब वो विंडो से घुसता है तो वो भी अपना काम करने की कोशिश करता है यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ओरायन इस तरीके के फ्लैप्स करता है क्योंकि ओरायन मैम वो अपने लोगों से मिलने के लिए आता है ना यहाँ पे, उसको उसके भी तो अपने लोग हैं, वो भी तो अपनी रिक्रूटमेंट करने आता है यहाँ पे। तो वो कहता है कि हालांकि ये ज्यादातर हमने देखा है कि और आपने कहा था कि और इस तरीके के फ्लैप जो होते हैं ना वो ओरायन करता है, कहता है इससे इसको ओरायन को मिलता क्या है? इंशाल्लाह इसे फॉर विजिबिलिटी इन दैट दे एक्चुअली क्रिएट ग्रेटर चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज माइन एट दिस टाइम। कह रहे तो इससे इनका रिवॉर्ड क्या है, इन्हें मिलता क्या है? कह रहा और इससे क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है ना ये इसलिए करता है ताकि इसको ज्यादा चांस मिले, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा फैला सके। जैसे कि आप अभी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, इसी तरीके से मुझे लगता है कि वो भी कुछ ऐसे करने की कोशिश करता होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है दिस अजम्पशन इज इनकरेक्ट। अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकना मैम। हाँ तो रा कहता है दिस अजम्पशन इज इनकरेक्ट, द फ्लैप्स कॉज मेनी फियर्स अमंग योर पीपल, मेनी स्पीकिंग्स अंडरस्टैंडिंग्स कंसर्निंग प्लॉट्स कवरअप्स म्यूटिलेशंस किलिंग्स एंड अदर नेगेटिव इंप्रेशंस, इवन दोज सपोजिटली पॉजिटिव रिपोर्ट्स विच गेन पब्लिक अवेयरनेस स्पीक ऑफ डूम, यू मे अंडरस्टैंड योर सेल्फ एज वन हु विल बी इन द माइनॉरिटी ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग विच यू विश टू शेयर इफ वी मे यूज दैट मिसनोमर। कह रहा नहीं तुम्हारा सोचना अलग है, गलत है। कह रहा जब ये फ्लैप्स होते हैं ना तो तुम्हारे लोगों के बीच में डर फैलाया जाता है, फिर कहते हैं तुम्हारे यहाँ के लोग उसको डर की तरीके से लेते हैं, बातें करते हैं इसके बारे में जैसे बड़ी डरावनी सी कोई चीज हो गई हो। कह रहा और मिलकर अलग अलग तरीके के प्लॉट क्रिएट कर रहे होते हैं। प्लॉट मतलब मैम यहाँ पे वो कह रहा है इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि वो तुम्हें डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की तरह चलाते हैं इसको तुम्हारे यहाँ पे, कहते हैं और कवर अप करते हैं, म्यूटिलेशन करते हैं उसका इस्तेमाल करके।
किलिंग करते हैं लोगों की, कह रहे, और ज्यादातर नेगेटिव इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं लोगों को तुम्हारे टीवी और इसके द्वारा, ताकि लोग डरें इससे, कह रहे, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि जो, और जो लोग पॉजिटिव टाइप के भी हैं ना, जो इसकी रिपोर्ट करते हैं कि क्या कहते हैं पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए, कह रहे, वो भी इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तुम लोगों को, जैसे कि जी यूएफओ आ गए तो आज ही तुम्हारा लंच बना देंगे, एलियन खा जाएंगे तुम्हें, और ये कर देंगे और वो कर देंगे, कह रहे, इस तरीके से ये प्रेजेंट की जाती है तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन, और इसको लेकर तुम्हारे बीच में डर फैलाया जाता है, जबकि इसमें डरना नहीं है, इसको समझने की जरूरत है कि ओराइन जानबूझ के जाके अगर मिलेगा भी तो नेगेटिवली ओरिएंटेड लोगों से ही मिलेगा वो, लेकिन कन्फेडरेशन मिलेगी तो पॉजिटिवली ओरिएंटेड लोगों से ही मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे यहाँ पे अभी तक लोगों को पता नहीं है, कह रहे, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं तुम अपने यहाँ पर ना अपने आप को ऐसे मान के चलो, तुम तो माइनॉरिटी हो इन लोगों के बीच में जो इसको पॉजिटिवली लेके चल रहा है, अदरवाइज ज्यादातर जनता तुम्हारी तो अभी दो मिनट में टीवी पे एक इन्फॉर्मेशन चल जाए ना, रिपोर्ट चल जाए, एलियन आ जाएंगे, एलियन खा जाएंगे, एलियन हमें मार देंगे, हमारा ग्रह कब्जा लेंगे और ये कर लेंगे, कह रहे, दो मिनट नहीं लगेगा तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में झुकाओ, दो मिनट में हो जाएगा तुम्हारा, कह रहे, वी परसीव देयर इज फर्दर पॉइंट वी मे पोजिट एट दिस टाइम, द ऑडियंस ब्रॉट अबाउट बाय ओराइन टाइप पब्लिसिटी इज नॉट सीडेड बाय सीनियोरिटी ऑफ वाइब्रेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, द ऑडियंस इज receiving teach learning without stimulus from publicity will be more greatly oriented towards illumination, therefore forget you the counting. तो वो कह रहा है कि देखो हम तुम्हें बता रहे हैं हम किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को, और हम तुम्हें बताते हैं कि इससे होगा होता क्या है, कह रहा है जो ऑडियंस इसको देख रही होती है ना, ये ओराइन टाइप की पब्लिसिटी को अपने टीवी पे और चैनल पे देख रही होती है, कह रहे कि वो इस तरीके की होती है कि मतलब सीनियर लोग जो होते हैं ना तुम्हारे यहाँ पे, जो सीनियर मतलब बूढ़े लोग होते हैं, वो इसे ऐसे नहीं देखते हैं, ये तो तुम्हारी ये जो यंग जनरेशन है ना, ये जो आजकल कंप्यूटर पे वीडियो गेम वगैरह खेलने लग गए हैं और टीवी आजकल देखने लग गई है यंग जनरेशन, ये जो मिड एज के जो होते हैं, कह रहे वो होते हैं जो इनके ऊपर, जिनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है इसका नेगेटिवली यूराइन टाइप की इंफॉर्मेशन का, कह रहे ये जो बूढ़े टाइप के जो लोग होते हैं या जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना, कहता वो तो इसको भी ऐसे लेके चलते हैं, आहा जरूर यहाँ से कुछ सीखने को मिल सकता है, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो आगे की एज के लोग हैं ना, वो इसको बेटर ज्यादा समझ पाते हैं, ये यंग जनरेशन से वो डरती है इन सब चीजों से, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी की ऐसे जाती है और वो ज्यादातर टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं, और ये जो दूसरे ज्यादा एज के लोग होते हैं वो टीवी कम ही देखना पसंद करते हैं, तो उनके सामने अगर इस तरीके का कुछ हो जाए ना तो उनको इल्यूमिनेशन होती है, उनको लगता है मुझे और जानना है, क्योंकि अब उस एज में आके मैम होता नहीं है ना कि कुछ जानने के लिए कुछ नया, टीवी पे सेम ही एक जैसी चीजें चल रही होती हैं, तो ऐसा कुछ उनके साथ हो जाए तो उनके लिए कुछ नया हो जाता है, तो उनके लिए इल्यूमिनेशन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक जाए, इसलिए राव से एंड में कहता है, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है सही हो रहा है, इसलिए मैम राव हमेशा कहता है कि हमें कोई चिंता नहीं, जिस टाइम पे हार्वेस्ट होगी जब हम आएंगे तब देख लेना हम क्या करते हैं कलाकारी। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है, ये तो आपने काफी अच्छे से समझा दिया, अब एक बहुत जरूरी पॉइंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलराइजेशन जो चौथी और पांचवी घनिष्ठता में होती है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है जागरूकता को बढ़ाने के लिए, कॉज टू वर्क हाउ द पॉजिटिव, जागरूकता के हिसाब से इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पोलराइजेशन को काम में, यही पूछ रहा है ना। हाँ, मतलब चौथी और पांचवी घनिष्ठता में, कि मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो जैसे हो जाती है कि भाई एक तो फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव में निकल गए, एक फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव में निकल गए, तो वहां पे ये जो जागृति होती है, मतलब ये जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है, कह रहे इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, और चौथी और पांचवी घनिष्ठता में दोनों में पूछ लेता है, कह रहे इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो रा कहता है देयर इज वेरी लिटिल वर्क इन कॉन्शियसनेस इन फोर्थ एंड इन फिफ्थ डेंसिटी कंपेयर टू द वर्क डन इन थर्ड डेंसिटी, the work that is accomplished in fourth positive fourth is that work whereby the positive social memory complex having through slow stages harmoniously integrated itself goes forth to aid those of less positive orientation which seek their aid, thus their service is their work. Acha bahut badhiya baat boli usne, kehta hai ki dekho chauthi aur panchvi ghanatvata mein is consciousness ka itna zyada hota nahi hai kyunki वहां पे तुम पहले ही अपनी अपनी साइड चूज कर चुके होते हो, तुम्हें पता होता है कि हाँ भाई मेरे को इस तरीके का काम है,
उस मेरा इस तरीके का काम है, अगर हम दोनों एक दूसरे के काम में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, तू अपने रस्ते और मैं अपने रस्ते। कह रहे ये तो ज्यादातर कॉन्शियसनेस जागृति का जो काम ज्यादा जो होता है ना, किसी का कैसे हो सकता है किसी का कैसे, कह रहे तो तुम्हारी तीसरी घनत्वता में होता है, क्योंकि चौथी में पहुंचने के बाद अगर हम पॉजिटिव वाले लोगों की बात करें, पॉजिटिव डेंसिटी में, अगर फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव में कोई पहुंच गया तो कहता है वहां पे ना धीरे 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 करके वो हारमोनियसली, मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर, एक दूसरे के साथ भाई भाई भाईचारे के साथ वो निकलते हैं आगे। कह रहे इसीलिए वहां पे जो है ना उनका उनका जो कर्म होता है ना वो कर्म होता है सेवा। कह रहे उनका उनकी सोच ही दूसरों की सेवा की जैसी हो जाती है। इसीलिए जब वो अपने से किसी लेस को, अपने से किसी कम को, तीसरी घनत्वता के किसी कम को देखता है जिसकी ओरिएंटेशन पूरी तरीके से पॉजिटिव साइड पे नहीं हो पाई है, कह रहे वो वहां पे अपनी सर्विस देने की कोशिश करता है। तो चौथी घनत्वता की कोशिश ये रहती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी हो, दोनों की काम जो है ना वहां पे जाके केवल सर्विस का हो जाता है, कि दोनों अपनी अपनी सर्विस देने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन किस किस को चाहिए। कह रहे इसीलिए जो चौथी घनत्वता पॉजिटिव वाले होंगे वो अपनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं तीसरी घनत्वता वालों को, कह रहे ये ही उनका कर्म बन जाता है वहां पर। वहां पर बस यही कर्म है और कुछ कर्म नहीं है वहां पे। इसके आगे वो कहता है एंड थ्रू दिस डायनेमिक बिटवीन द सोसाइटल सेल्फ एंड द अदर सेल्फ विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ग्रेटर एंड ग्रेटर इंटेंसिटीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन आर अटेंड, दिस इंटेंसिटी कंटिन्यूज अंटिल द अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मे बी वेलकम उस घनत्वता में जाके प्रेम और प्रेम की जो ये जो होती है ना इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे तीव्रता, वो बढ़ती चली जाती है। और वहां पे जो समझदारी और सहानुभूति जो है ना उसके भी लेवल होते हैं, कह रहे वो भी बढ़ते चले जाते हैं और वो अटेन करते चले जाते हैं लोग, धीरे 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 अटेन करते चले जाते हैं। कह रहे और ये इंटेंसिटी तब तक चलती रहेगी, ये तीव्रता बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी तब तक जब तक वो बिल्कुल एकदम लाइट के एकदम पास ना आ जाए, मतलब क्योंकि पांचवी घनत्वता तो लाइट की है ना, विजडम की है। कह रहे बिल्कुल उस लाइट के पास ना आ जाए, कह रहे जैसे ही वो उस लाइट के पास आता है उसका उसका वेलकम किया जाता है और तब जाके उसकी चौथी घनत्वता की हार्वेस्ट हो जाती है, उसकी हार्वेस्ट हो जाती है चौथी घनत्वता से पांचवी में। अब फिर वो कहता है विद इन फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव देयर आर माइनर अमाउंट्स ऑफ कैटलिस्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल एंड मेंटल कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शन, दिस ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मिंग द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, दिस कॉजेस सम स्मॉल कैटलिस्ट एंड वर्क टू ऑकर, बट द ग्रेट वर्क ऑफ फोर्थ डेंसिटी लाइज इन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोसाइटल सेल्फ एंड लेस पोलराइज्ड अदर सेल्फ। ओके, तो वो कह रहा है कि देखो चौथी घनत्वता में जो है ना, कह रहा कि जो माध्यम होते हैं उनका कमी होते हैं, बहुत ही कम लगे होते हैं उस घनत्वता में जाके, माध्यम इतने भीषण माध्यम नहीं लगे होते जितने तुम्हारे तीसरी घनत्वता में लगे होते हैं, कि स्पिरिचुअल और जो मतलब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से और आग के रूप से, कह रहे इतने ज्यादा नहीं होते। अरे कौन है यार, मैम एक सेकंड रुकना। हाँ आई एम सो सॉरी मैम, एक इम्पोर्टेंट कॉल था तो। हाँ तो इसमें वो ये कहता है कि ये जो चौथी घनत्वता होती है ना, कह रहे वहां पर दिमाग के ऊपर और मतलब माध्यम ज्यादा नहीं लगे होते हैं, चौथी घनत्वता पॉजिटिव की बात कर रहा है वो अभी, कह रहे वहां पे ज्यादा नहीं लगे होते और आत्मा के लेवल पे और दिमाग के लेवल पे इतने ज्यादा माध्यम ना होने की वजह से ना वहां पे हार्मोनाइजेशन रहती है, सब एक दूसरे को समझने में लगे रहते हैं, क्योंकि मैम पुरानी जिंदगी सबको याद रहती है ना, तो पुरानी जिंदगी में सब अपनी अपनी निकाल निकाल के अपनी आंखों के सामने रख रहे होते हैं, अपनी जिंदगी को समझ रहे होते हैं, दूसरे की जिंदगी को समझ रहे होते हैं, इसलिए धीरे 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 आगे चल रहे होते हैं सारे सारे, ठीक है। और इसी वजह से उनका एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनता है कि जिसका झुकाव जिस तरीके का होता जाता है वो उस तरीके का अपना अपना ग्रुप बनाता चला जाता है। वहां पर भी ग्रुप होते हैं अपने अपने, किसी का किस तरीके का हो गया, किसी का किस तरीके का हो गया, कह रहे तो उस तरीके के ग्रुप बनते चले जाते हैं। कह रहे कि वहां पे जो कैटलिस्ट जो माध्यम होते हैं ना,
कह रहे वहां पे कम होते हैं ले, और उनसे रिलेटेड जो काम होगा ना कह रहे वो भी वहां पे कम ही होता है, कह रहे इतना कुछ ज्यादा नहीं है। कह रहे जो बड़ा काम जो होता है चौथी घनत्वता में, वो तो ये होता है कि अपने जब वो अपने अपने ग्रुप अपने अपने ग्रुप्स को समझना शुरू करता है, और मान लो कोई पीछे से आ रहा है लेकिन उसकी नॉलेज इतनी नहीं है, उसकी नॉलेज इतनी नहीं है कि भाई वो चौथी घनत्वता में आके अभी नया नया आया है, तो उसकी मदद करना, कह रहे वहां पे ये काम होता है, उसकी मदद करना, उसको भी फिर अपने ग्रुप में लाना, तो वहां पर सब एक दूसरे की मदद करते हुए, कोई नया आया है तो चलो ठीक है भाई तू इधर आ जा, तू तेरे को भी हम थोड़ा बताते हैं। जैसे मैम यहाँ पर भी होता है हमारे ग्रुप में, किसी को नहीं पता होता तो हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, तो क्या बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे काम चल रहा होता है। अब कोई नया ग्रुप में ऐड होता है तो सारे के सारे लग जाते हैं ना उसकी हेल्प करने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से चौथी घनत्वता में भी काम चलता है, और ये काम करने में मजा भी बहुत आता है। तो अब वो करेगा फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव की बात, कहता है इन फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव मच वर्क इज अकम्प्लिश ड्यूरिंग द फाइटिंग फॉर पोजिशन विच प्रोसीड्स द पीरियड ऑफ द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्स द पीरियड ऑफ द अच्छा देर आर अपॉर्चुनिटीज टू पोलराइज नेगेटिवली बाई कंट्रोल ऑफ अदर सेल्स ड्यूरिंग द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स पीरियड ऑफ फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव द सिचुएशन इज द सेम द वर्क टेक्स प्लेस थ्रू द सोसाइटल रीचिंग आउट टू लेस पोलराइज अदर सेल्फ इन ऑर्डर टू एड इन नेगेटिव पोलराइजेशन। कहते हैं चौथी घनत्वता नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, कह रहे वहां पे जब भी कोई नया नया जाएगा तो वो लड़ेगा, उसको लड़ना पड़ता है वहां पे, अपने लिए पोजीशन बनानी पड़ती है उसको, क्योंकि वो लैड मैम इस तरीके का होता है जैसे कॉर्पोरेट लैडर होता है ना, एक बंदा नीचे नया नया नौकरी में अब धीरे 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 प्रमोशन होगा, इसको काटेगा उसको काटेगा, इसकी नौकरी खाएगा उसकी नौकरी खाएगा, कह रहे वहां पे इसी तरीके का चलता रहता है। या फिर जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में होता है ना कि भाई इसको हटा पावर से, उसको इसको हटा के मैं इसकी जगह पे आ जाऊँ, इसको वहां पे कंटिन्यूअसली इसी तरीके का काम चलता रहता है, कंटिन्यूअसली सभी के लिए यही हाल रहता है वहां पे, कह रहे वहां पे कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक वो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स वहां पे बनते कैसे हैं, सबके जो टॉप लीडरशिप होगी उनके दिमाग में चिप लगी होंगी, उनके सबको AI की ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा, और वो सारे के सारे टॉप लीडरशिप होंगे, जो नीचे वाले होंगे उनसे काम लिया जाएगा, उनको काम में डाला जाएगा कि इनको काम में लगा के रखो। वहां पे काफी हद तक अर्थ के जैसा रहता है, लेकिन अर्थ में फिर भी अभी उतना बुरा हाल नहीं है जितना फोर्थ डेंसिटी में होता है। कह रहे कि वहां पे जो ये होता है कि वहां पर हर किसी का यही रहता है मोटिव कि मैं इसको कंट्रोल कर लूं, मैं उसको कंट्रोल कर लूं, इसको दबाऊं और ऊपर, इसको दबाऊं और ऊपर निकलूं, कह रहे वहां पर यही सब चलता रहता है, कंटिन्यूअस स्ट्रगल रहता है वहां पे, कंटिन्यूअस आदमी बस जद्दोजहद में ही लगा रहता है वहां पे, उसका बहुत बुरा हाल होता है वहां पे। ड्यूरिंग द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स पीरियड ऑफ डेंसिटी नेगेटिव द सिचुएशन इज सेम द वर्क टेक्स प्लेस थ्रू द सोसाइटल रीचिंग आउट टू लेस पोलराइज अदर सेल्फ इन ऑर्डर टू एड इन नेगेटिव पोलराइजेशन। तो वहां पर भी वो यही कह रहा है कि मैम जो उनको लगता है ना कि यार ये मुझसे कम नेगेटिव है, कह रहे उसको और उसकी ऐसी हालत कर देते हैं कि वो भी आदमी आगे जाके नेगेटिव ही हो जाए जब उसको दबाते रहेंगे। अब मैम मान लो एक ग्रुप है, एक बंदा अकेला है वहां पे, नया नया आया है, नेगेटिव तो है सोच उसकी लेकिन नया नया आया है, अब एक ग्रुप है वो उसको पीटना पाटना शुरू कर दे, फिर वो लड़ते 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 उसका कर्म और खराब होगा, तो वहां पर वो इसी तरीके से बेचारा पूरी जिंदगी जद्दोजहद में लगा रहता है। अब ये बिल्कुल ऐसे, एक बार मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, अब ये ऐसा है कि एक ग्रुप है, सबके हाथ में चाकू है और अपने अपने आप को बचाना है, वहां पर कंटिन्यूअसली इस तरीके के हालात रहते हैं सबके, सबका ये हाल रहता है वहां पर। फिर आगे वो कहता है इन फिफ्थ डेंसिटी पॉजिटिव, अभी तो चौथी घनत्वता का बोल दिया उसने, पांचवी घनत्वता की बात करेगा। कह रहे हैं इन फिफ्थ डेंसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट पर्टिकुलरली हेल्पफुल एज फिफ्थ डेंसिटी एंटिटीज आर अगेन इंटेंसिफाइंग रादर देन पोटेंशिएटिंग। कह रहे हैं पांचवी घनत्वता में ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना वर्क का, कह रहे वो इतना ज्यादा काम नहीं आता है, क्योंकि वहां पर तो सीख ही रहे होते हैं सारे को, वहां पर ज्ञान होता है, कह रहे वहां पर तो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है उस ज्ञान को सीखने के लिए, वो रुका नहीं होता वहां पर, पोटेंशियल में नहीं होती है चीजें कि वो रुका हुआ है कि ऊर्जा रुकी हुई है, ये कुछ है, कह रहे वहां तो इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाती है पांचवी घनत्वता में ज्ञान को लेने के लिए। फिर वो कहता है इन पॉजिटिव द फिफ्थ डेंसिटी कॉम्प्लेक्स यूजेस सिक्स डेंसिटी टीच लर्नर्स टू स्टडी द मोर इल्यूमिनेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिटी दस बिकमिंग मोर एंड मोर वाइज। फिफ्थ डेंसिटी पॉजिटिव सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स ऑफन विल चूज टू डिवाइड देयर सर्विस टू अदर्स इन टू वेज, अच्छा द बीमिंग ऑफ लाइट टू क्रिएशन, द सेंडिंग ऑफ ग्रुप to be of aid as instruments of light such as those whom you are familiar with through channels. अच्छा, कह रहा है कि देखो पांचवी घनत्वता जो होती है ना वहां पे पॉजिटिव की बात कर रहा है मैं, ये कह रहा है वहां पे क्या होता है, वहां पे जो उनके टीचर्स होते हैं ना वो बनते हैं छठी घनत्वता वाले, और वो उनको वो अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश करते हैं कि सारी चीजें यूनिटी में कैसे हैं,
वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, और वहां पे पांचवी गणतंत्रता में जाके एक व्यक्ति समझदार और ज्यादा समझदार और ज्ञानी होता चला जाता है वहां पे। फिर पांचवी जनघनत्वता पॉजिटिव में होता क्या है, वहां पे दो तरीके की सर्विस में लोग अपने आप दो तरीके के झुंड बनते हैं, पांचवी घनत्वता में भी गुट बनते हैं जो अपनी अपनी सर्विस अलग अलग तरीके से देते हैं। कह रहे एक तो वो होते हैं जो अपनी लाइट बीम मारते हैं, लाइट टू क्रिएशन, मतलब वो क्रिएशन में लग जाते हैं, वो क्रिएशन का काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे वो होते हैं जो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे पैदा हो जाते हैं, और जिस तरीके के चैनलिंग का काम तुम कर रहे हो ना, कह रहे वो वॉन्डर बन के यहाँ पे आते हैं और इस तरीके का चैनलिंग का काम शुरू कर देते हैं। ये होते हैं हमारे, या हमारी हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं समझ के दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसे होते हैं पांचवी घनत्वता के। कहता है कि इन फिफ्थ डेंसिटी नेगेटिव सर्विस टू सेल्फ हैज बिकम एक्सट्रीमली इंटेंस एंड द सेल्फ हैज श्रंक और कॉम्पैक्टेड सो दैट द डायलॉग विद द टीच लर्नर्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन ऑर्डर टू इंटेंसिफाई विजडम। देयर आर वेरी वेरी फ्यू फिफ्थ डेंसिटी नेगेटिव वॉन्डरर्स फॉर दे फियर द फॉरगेटिंग। दे आर वेरी वेरी फ्यू फिफ्थ डेंसिटी ओरियन मेंबर्स फॉर दे डू नॉट एनी लॉन्गर परसीव एनी वर्च्यू इन अदर सेल्स। हाँ तो मैम वो ये कह रहा है पांचवी घनत्वता के जो नेगेटिव वाले होते हैं, क्योंकि वो सर्विस टू सेल्फ वाले पार्ट पे होते हैं, कह रहे वो और श्रिंक होते चले जाते हैं और घुटते चले जाते हैं अंदर, इतना बुरा हाल होता है उनका वहाँ पे। कह रहे क्योंकि वहां पे वो टीच लर्नर कोई होता ही नहीं है उनका, कोई सिखाता ही नहीं है उनको। कह रहे ज्ञान आग के सामने और खुद ही सीखना है, क्योंकि सब अपने अपने ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। सोची वैसी होती है ना कि मैं ज्यादा आगे बढ़ जाऊँ, इस ज्ञान को लेकर। वहां पे सिखाता नहीं है कोई, वहां पे सब अपने अपने कोनों में बैठे होते हैं और अपने अपने सीख रहे होते हैं चुपचाप। कह रहे इसलिए वो और कॉम्पैक्ट होते चले जाते हैं। कह रहे पांचवी घनत्वता के तो बहुत ही कम, बहुत ही कम होते हैं जो नेगेटिव वॉन्डरर हो, जो कि यहाँ पर आ जाए किसी और तीसरी घनत्वता में पैदा हो। कह रहे क्योंकि उनको डर रहता है कि हम भूल जाएंगे सारी चीजें जो हमने सीखी है, क्योंकि भूलने का घूंघट लगा होता है ना, फॉरगेटिंग लगी होती है। कह रहे उनको पता है तीसरी घनत्वता में जाके अगर उन्होंने जन्म लिया तो वो भूल जाएंगे सारा कुछ। तो ये रिस्क तो वो लेते ही नहीं है किसी भी हाल में, बड़ी मुश्किल से तो चौथी से निकल के, मैम चौथी से पांचवी में निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है इनको, बहुत कह रहे कि चौथी से पांचवी में बड़ी मुश्किल से आए होते हैं, इसलिए चुपचाप एक कोने में डरे हुए बच्चे की तरह बैठ के बस उस ज्ञान को लेके चुपचाप पढ़ते रहते हैं कि यार बस नहीं आ रहा समझ में, कोई है ही नहीं मदद करने के लिए। बुद्धि का इस्तेमाल लगाया जा रहा है, कोई मदद नहीं करता उसकी, अकेला लगा पड़ा बेचारा एक कोने में, इतनी ज्यादा सल्किंग होती है वहां पे कोने में बेचारा अकेला रह जाता है। There are very very few Orion members who do not longer perceive in any virtue. हाँ वो ये कह रहे कि वहाँ पे बहुत बहुत कम ऐसे Orion के members रह जाते हैं जो दूसरों की सेवा तो बहुत बाद की बात है, कह रहे वो तो बेचारे अपने में ही फंस के रह जाते हैं। कह रहे उनके लिए पांचवी से छठी में भी निकलना मुश्किल हो जाता है, ये हाल होता है उनका। मतलब नेगेटिव वालों का सोचो मैम क्या हाल होता है, पॉजिटिव वालों का देखो कम से कम एक दूसरे का साथ मिलके आगे तो निकल रहे हैं, कोई है तो सही सिखाने के लिए, सिक्स डेंसिटी के सिखा रहे हैं उनको, आगे निकलने में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ दे रहे हैं, खींच रहे हैं। वहां पर खींचने का सिस्टम ही नहीं है, वहां पर तो जो है भाई खुद ही कर ले, अकेला छोड़ दिया किसी को मरना, बिल्कुल वैसा होता। फिर डॉन पूछता है कि अच्छा मैं आई वुड लाइक टू टेक एज एन एग्जांपल एन एंटिटी एट बर्थ, मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ एक ऐसे एंटिटी का जो पैदा होते वक्त who is roughly high on the seniority list for positive polarization and possible harvestability at the end of this cycle and follow a full cycle of his experience starting before his incarnation. Jo apni seniority list mein bahut upar hai, kafi senior hai positive polarization mein, aur shayad uski fourth density ya fifth mein harvest ke liye bhi wo taiyar ho is cycle ke khatam hone tak. Which body's activated process of becoming incarnate, which वो अपने सारे तजुर्बे जो है वो जी चुका है ये वाली जन्म से पहले। अब उस दिन मतलब जब ये पढ़ो तो एक तरफ ध्यान आता है कि उस दिन आपने कहा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता, पास्ट लाइफ नहीं होता, यहाँ पर इनकार्नेशन और री इनकार्नेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो पास्ट होता ही है और कहीं ना कहीं तो पुनर्जन्म भी होता ही है। एनीवे मूविंग अहेड, जिसकी बॉडी मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी बॉडी वो कौन सी वाली बॉडी एक्टिवेट करेगा। जैसे कल हम लोगों ने जो सेशन किया था उसके अंदर सेवन बॉडीज की बात हो रही थी और रा ने बताया था कि आप कौन सी बॉडी एक्टिवेट करते हो,
तो पैदा होते वक्त वो कौन सी बॉडी एक्टिवेट करेगा? एक्टिवेशन, आई एम नॉट श्योर आई एम ट्रांसलेटिंग दिस करेक्ट पास, जस्ट कीप आई मीन जस्ट जस्ट ध्यान रखना और जरूरत पड़ी तो मुझे करेक्ट कर देना. एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड डेंसिटी फिजिकल बॉडी प्रोसेस एज द बॉडी मूव्स थ्रू दिस डेंसिटी एंड इज एक्टेड अपॉन बाय कैटलिस्ट. आप कितने लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं. इस तीसरी घनिष्ठता में जो उसको शरीर इंकार्नेशन. तो वो कहता है कि धन्यवाद पिछले पहले तो उसका जवाब देने के लिए. कह रहा है कि मैं एक उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति का एक उदाहरण देता हूँ मैम. मान लो पैदा होने से पहले, मतलब ये पैदा होने से पहले की बात चल रही है, अभी पैदा नहीं हुआ है वो हमारी धरती पे तीसरी घनिष्ठता में. कह रहे कि वो मतलब उस लेवल पे पहुंच चुका है कि हाँ अगर उसकी पॉजिटिव हार्वेस्ट होनी है तो आपने एक बार कहा था कि सीनियर है वो तो उसको आप पहले भेजोगे यहाँ पे इस धरती पे ताकि वो अपने जल्दी से माध्यम लगाए सीखे और यहाँ से पॉजिटिव वाली घनिष्ठता में आगे निकल के चौथी में चला जाए. ये बताने की कोशिश कर रहा है ताकि इस साइकिल के एंड होते होते वो सीख ले और सीख के निकल के आगे चला जाए. तो आप इसके आगे वो कहता है कि क्या कहता है, विच बॉडी इज एक्टिवेटेड प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इनकार्नेट द एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड डेंसिटी फिजिकल बॉडी प्रोसेस एज द बॉडी मूव थ्रू दिस डेंसिटी एंड इज एक्टेड अपॉन बाय कैटलिस्ट एंड देन द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड द एक्टिवेशन ऑफ द वेरियस बॉडीज सो दैट वी मेक अ फुल सर्किट फ्रॉम अ प्रायर पॉइंट टू इनकार्नेशन बैक अराउंड थ्रू इनकार्नेशन एंड डेथ एंड बैक टू दैट पोजिशन. You might say in one cycle of incarnation in this density. Could you do that for me? So वो कह रहा है कि ठीक है आपने ये तो बता दिया कि चलो ठीक है सीनियर है तो यहाँ पे आ जाएगा. आप उसको बोलोगे कि भाई तू सीनियर है तू जल्दी जाके यहाँ पे अपने माध्यम लगा सीख और आगे निकल जा. ठीक है तो इसमें आप हमें ये बताओगे जब वो वहां से यहाँ पैदा होगा तो उसकी कौन सी बॉडी एक्टिवेट होगी, क्योंकि वो यहाँ पर जब पैदा होगा तो उससे पहले भी तो कोई बॉडी एक्टिवेट होगी ना उसकी. उसको कौन सी बॉडी मिलेगी, येल्लो वाली उसने पिछली बार सेशन में बताया था येलो बॉडी एक्टिवेट होती है तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है. कहते फिर वो यहाँ पैदा होगा. अब आप ऐसे मान के चलो कि तीसरी घनत्वता में पैदा हो गया, यहाँ पे उसके जो माध्यम थे वो लगते चले गए और फिर उनके लगते लगते उसने अनुभव लिए, फिर अंत में जाके उसकी मृत्यु हुई. कहते मृत्यु होने के बाद फिर वो आगे जाएगा, आगे जाने के बाद वो अपना पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा और फिर दोबारा मर के वहां पर वापस जाएगा, फिर उसकी एक और नई बॉडी एक्टिवेट होगी. तो आप हमें बता सकते हो कि ये स्टार्टिंग से लेके मतलब पैदा होने से पहले और मरने के बाद तक पहुंचते पहुंचते अगर वो पॉजिटिव हार्वेस्ट का है तो उसके किस तरीके की बॉडीज एक्टिवेट होंगी, आप हमें बताओगे इसके बारे में? अच्छा सवाल है वैसे. तो रा कहता है योर क्वेरी इज मोस्ट डिस्टॉर्टेड फॉर इट अज्यूम्स दैट क्रिएशंस आर अलाइक. ईच माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हैज इट्स ओन पैटर्न्स ऑफ एक्टिवेशन एंड इट्स ओन रिदम्स ऑफ अवेकनिंग. The important thing for harvest is the harmonious balance between the various energy centers of the mind-body-spirit complex. This is to be noted as of relative import. We grasp the thrust of your query and will make a most general answer, stressing the unimportance of such arbitrary generalization. So Ra कहता है कि ये जो तुम्हारा सवाल है ना ये काफी ना विभाजित तरीके का तुम लोगों ने सवाल पूछा है, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें अलग अलग लगती हैं. तुम्हें लगता है कि जैसे रचना जो रचयिता ने रची है वो कुछ अलग तरीके से रची है. कह रहा सारी चीजें मेरे दोस्त एक ही है, ये एक ही पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे चलती है. नहीं नहीं उल्टा. योर क्वेरी इज डिस्टॉर्टेड फॉर इट अज्यूम्स दैट ऑल दैट क्रिएशंस आर अलाइक. अलग अलग है क्रिएशंस, यही तो बोल रहा है. हाँ तो आप उल्टा बोल रहे हो. नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहा था. कह रहा कि तुम्हारा सवाल जो है ना काफी विभाजित है, क्योंकि तुमने अनुमान ये लगाया कि जो रचना है रचयिता की वो अलग अलग है, ऐसी नहीं है. वो सब एक जैसी है. वो सॉरी हाँ सब एक जैसी है. सॉरी सॉरी सब एक जैसी है. सॉरी सॉरी गलती हो गई. तो वो कह रहा है कि कहता है कि हर व्यक्ति हर व्यक्ति ईच माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है. कह रहा है उसके अपने अपने पैटर्न होते हैं एक्टिवेशन के, और मतलब कौन सी बॉडी उसको मिलेगी कैसे मिलेगी उसके अपने अपने पैटर्न होते हैं और अलग अलग जैसे रिदम होती है ना म्यूजिक की, कह रहे बिल्कुल वैसी होती है कि वो किस तरीके से जागरूकता अपनी बढ़ाता है. कहता है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका कितना अंदर उसने अपने अंदर कितना बढ़िया बैलेंस बना लिया है, अपने जितने भी उसके चक्र हैं जितने भी उसके एनर्जी
ऊर्जा चक्र है उनके अंदर उसने कितना बढ़िया संतुलन बनाया है, कह रहे। और हम तुम्हें बता रहे हैं ये संतुलन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख के चलना तुम हमारी बात, कि संतुलन होना चाहिए, ये नहीं कि तुम एक ही डायरेक्शन में झुक गए, कह रहे। इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि हम तुम्हारी इस सवाल की गहराई को समझते हैं, लेकिन तुम्हें जो जवाब देंगे ना वो बिल्कुल जनरल तरीके का देंगे, क्योंकि हमें इस तरीके के गाड़ी चलाने से मुझे 14 बार फोन करके मन लागू थे भी सर। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है मैम, किसी का माइक ऑन हुआ है। हां शुभम, ध्यान रखा करो भाई अपने माइक्स का। हां जी पा कंटिन्यू। हाँ तो वो यही कहता है कि लेकिन मैं इसका जो जवाब तुम्हें दूंगा ना वो जनरल सा ही दूंगा मैं, मतलब इस तरीके के आर्बिट्ररी, क्योंकि ये तुम्हारा अंदाजन लगाया हुआ सवाल है, तो इसलिए इसका मैं सिंपल सा ही तुम्हें साधारण सा जवाब ही दूंगा। कह रहे हैं द एंटिटी बिफोर इंकार्नेशन ड्वेल्स इन द एप्रोप्रिएट शैल बी से प्लेस इन टाइम स्पेस, द ट्रू कलर टाइप ऑफ दिस लोकेशन विल बी डिपेंडेंट अपॉन द एंटिटीज नीड्स, दीज एंड दोज एंटिटीज फॉर इंस्टेंस विच बीइंग वांडरर्स have the green, blue, indigo, true color core of mind, body, spirit complex will have rested therein. मैंने अच्छा जवाब दिया उसने। वो कहता है कि देखो हर व्यक्ति जो है मतलब पैदा होने से पहले कहता वो अपनी अपनी जगह पे, मतलब एक समय और जगह बोल रहा है वो, क्या उसने एक बार पहले बताया था कि स्पेस टाइम का मतलब होता है दिखने वाली चीजें और टाइम स्पेस होता है ना दिखने वाली चीजें, तो वो जगहें ना दिखने वाली चीजें और जगहें ये बोल रहा है वो, कह रहा है कि जब पैदा होने से पहले एक व्यक्ति एक ऐसी जगह पर होता है जो ना दिखने वाली होती है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें तो नहीं दिखेगी वो, कह रहा है उस जगह का जो उस जगह का जो असली कलर होता है ना वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, उसकी नीड्स क्या है, ठीक है। कह रहे कि अगर हम तुम्हें एक उदाहरण के लिए बताएं, जो वॉन्डर टाइप के होते हैं ना उनका हरा, नीला और जो इंडिगो, वो जो होता है ना इंडिगो, यानी जो आपका इंडिगो क्या बोलेंगे मैम, गहरा नीला, नील हाँ, इंडिगो हाँ, मतलब जो कपड़ों को नील लगाते हैं ना, गहरा नीला, रॉयल ब्लू टाइप्स, हाँ, तो वो वही इंडिगो, इंडिगो बेसिकली वही हो गया ना अपना पिनियल ग्लैंड टाइप का, हाँ, तो वो कह रहा है कि हरा नीला और जामनी, कह लो जामनी टाइप का रंग हुआ ये, नहीं हरा अच्छा। आसमानी नीला मतलब हल्का नीला गले वाला, और गहरा नीला मतलब नील कलर वाला, अच्छा नील कलर टाइप का। रात को 8-9 बजे आसमान कैसे गहरा नीला होता है, काला नहीं होता, 7-8 बजे है ना डार्क ब्लू। हाँ वो कहता है कि देखो नील लगाया है, हाँ मैम लगाया कपड़े धोते हैं बहुत, इंडिगो से नील बनता है, हाँ वो नीला, तो वो कहता है कि अब हाँ अब हम उदाहरण देके तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम किसी वांडरर की बात करो ना तो उसका हरा नीला और ये गहरा जो नीला रंग है, कह रहे ये वो जगह है जहां पे जाके अपने आप को तीनों जगह पे प्लेस कर देता है, इसकी इच्छा है, इसकी जो जरूरतें होती है वो उस तरीके की होती है, अगर एक वांडरर की बात करोगे तुम तो। उसके आगे वो कहता है एंट्रेंस इनटू इंकार्नेशन रिक्वायर्स द इन्वेस्टमेंट और एक्टिवेशन ऑफ द इंडिगो रे और इथेरिक बॉडी, फॉर दिस इज द फॉर्म मेकर, द यंग और स्मॉल फिजिकल माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हैज द 7 एनर्जी सेंटर्स पोटेंशिएटेड बिफोर द बर्थिंग प्रोसेस, देयर आर आल्सो एनालॉग्स इन टाइम स्पेस ऑफ दीज एनर्जी सेंटर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 7 एनर्जी सेंटर्स इन ईच ऑफ द 7 ट्रू कलर डेंसिटीज, दस इन द माइक्रोकॉस्म एग्जिस्ट ऑल द एक्सपीरियंस दैट इज प्रिपेयर्ड, इट इज एज दो द इन्फेंट कंटेन्स द यूनिवर्स। अच्छा तो वो कह रहा है देखो एक जन्म में आने से पहले, देखो सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, सबसे पहली चीज चाहिए होती है कि भाई अपना वक्त उसमें बिताएगा, पहले तो इन्वेस्ट करेगा अपना टाइम उस जगह पर, वहां पर वक्त बिताएगा, फिर एक्टिवेट करेगा अपना इंडिगो वाला चक्र, इंडिगो वाला जो पोर्शन है उसको एक्टिवेट करेगा, क्योंकि वो उसकी इथेरिक वाली बॉडी होती है। इथेरिक को क्या बोल रहे थे मैम कलम, सूक्ष्म कह रहे, उस सूक्ष्म शरीर, वो उसका वो सूक्ष्म शरीर होता है कह रहे, और ये सूक्ष्म शरीर ही है, वो होता है जो इसको रूप देता है, ठीक है, इसका जो रूप बनेगा पैदा होने के बाद कह रहे वो ही इसको देता है रूप, सूक्ष्म शरीर। कह रहे जो यंग और स्मॉल, कह रहे जो छोटा बच्चा होता है ना पहले से, मतलब पैदा नहीं हुआ है अभी, पहले से जब वो पैदा, जब पहले पैदा होने से पहले की बात बता रहे वो,
कह रहा उसका जो शारीरिक रूप होता है ना, उसके सारे जितने भी चक्र होते हैं, कहते उस शारीरिक रूप के अंदर के जितने भी सारे चक्र होते हैं ना, वो सारे के सारे सातों रंग होते हैं उसके अंदर। पहले पोटेंशियल होता है उनके अंदर की, मतलब ऊर्जा अभी ठहरी हुई ऊर्जा है उसके अंदर, अभी इस्तेमाल नहीं हुई है। कह रहे कि और इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी सारे रंग है ना उसके अंदर, वो सारे के सारे एनर्जी सेंटर्स ही दर्शाते हैं उसके। ये जो तुम ये समझ रहे हो ना कि वो इस मरने से, मतलब पैदा होने से पहले जिस जगह पे है, क्या उसके पास वो सारे रंग रहेंगे? कह रहे वो बिल्कुल ऐसे मान के चलो जो तुम्हारे अंदर के चक्र हैं, बिल्कुल उसी तरीके के रंग वहां पर होते हैं। बस उसको इंडिगो वाला वो एक्टिवेट उसके अंदर जाना पड़ता है, जहां पे जाके वो अपने सूक्ष्म शरीर में जाता है। वो सूक्ष्म शरीर उसको उसका रूप देता है, क्योंकि उसी के अंदर बैठ के वो अपना रूप तय करता है कि मुझे ये रूप अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से ये रूप लूंगा मैं। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं वहां पे जाके वो छोटी से छोटी सारी चीजें और जितनी भी उसके अनुभव होते हैं, जो उसको लेने होते हैं, वहां पे वो लगाता है उसके अंदर, उसी सूक्ष्म शरीर के अंदर लगाता है वो पहले सारे अनुभव, कि ये अनुभव मुझे लेने, वहां तैयारी करता है उसकी। कह रहे ये बिल्कुल ऐसा है कि एक जो बच्चा होता है ना उसके अंदर, या कह लो एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड होता है, पूरा ब्रह्मांड होता है उसका पूरे उसके अंदर। जब वो पैदा होता है तो पूरा ब्रह्मांड साथ में ही लेके पैदा होता है, तो जितना चाहे उसमें आगे जा सकता है, जितना चाहे उसमें पीछे जा सकता है, उसकी इच्छा है। कहते हैं कि द पैटर्न्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एन एंटिटी ऑफ हाई सीनियोरिटी विल अनडाउटेडली मूव विद सम रैपिडिटी टू द ग्रीन रे लेवल विच इज द स्प्रिंग बोर्ड टू प्राइमरी ब्लू। देयर इज ऑलवेज सम डिफिकल्टी इन पेनिट्रेटिंग ब्लू प्राइमरी एनर्जी फॉर इट रिक्वायर्स दैट विच योर पीपल हैव इन ग्रेट पॉसिटी दैट इज ऑनेस्टी। ब्लू रे इज द रे ऑफ फ्री कम्युनिकेशन विद सेल्फ एंड विद अदर सेल्फ। कहता है देखो ये जो जिनको तुम बोल रहे हो ना सीनियर लोग, जो पहले यहाँ पे आके, जो यहाँ पे अभी पैदा हो गए, जल्दी से अपनी एक्टिवेट वगैरह करें, संतुलन बनाए और निकल जाए आगे। कह रहे वो तो अनडाउटेडली, भैया उसका तुम डाउट भी मत लगाओ, कह रहे कि वो तो इतनी तेजी से निकलते हैं क्योंकि उनका हार्ट, दिल का चक्र ना खुला होता है। कह रहे और एक बार दिल का चक्र अगर किसी का खुल गया, कह रहा तो वो तो फिर समझ लो कि बिल्कुल ऐसा एक स्प्रिंग बोर्ड, मतलब जैसे आपने बताया था ना उस दिन मैम, उसमें जाने के लिए क्या बोलते हैं, स्विमिंग करने से पहले ऊपर खड़ा होता है, फिर उसे जंप मारेगा, जंप कर, हाँ डाइविंग बोर्ड, कह रहा वहां से जंप मारेगा और एक स्विमिंग पूल के अंदर जैसे कूदते हैं ना, कह रहा बिल्कुल वो उस सिचुएशन में होता है। कह रहा उसको जंप मारनी होती है ब्लू वाले में, कह रहा वो ब्लू के अंदर जंप मारेगा जैसे ही, कह रहे कि तब उसका वो आगे निकलना शुरू हो जाता है, मतलब ग्रीन की वजह से वो एकदम से जंप मारता है उसमें। कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें ये बताते हैं, ये ब्लू वाला है ना, इसको पेनिट्रेट, मतलब इसको इसके अंदर घुसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहली हम तुमको बता दें। कह रहे क्योंकि ये बहुत पॉसिटी का क्या मतलब होता है, अब ये एक सेकंड रुकना मैम जरा, बोला ना उसने ऑनेस्टी, हाँ कमी होती है, हाँ वो कहते हैं कि इस चीज की, हालांकि तुम्हारे यहाँ के अंदर, मतलब हालांकि इसकी बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि ये जो नीला वाला जो रे है ना, ये नीला वाला चक्र जो है ना, इसके लिए बहुत ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार होना पड़ता है अपनी बातों में भी और अपने कर्मों में भी, कहते हैं खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। कह रहे तभी ही ये ईमानदारी जब आ जाती है ना इंसान के अंदर, खुद के लिए और दूसरों के लिए, अगर वो बातें कर रहा है तब जाके अपने मुंह से जो शब्द निकाल रहा है उसके अंदर ईमानदारी हो उसकी, कह रहे तब जाके वो आगे निकलना शुरू होता है। तो वो कहते हैं कि हैविंग एक्सेप्टेड दैट एन अनहार्वेस्टेबल और नियरली हार्वेस्टेबल एंटिटी विल बी वर्किंग फ्रॉम दिस ग्रीन रे स्प्रिंग बोर्ड, one may then posit that experience in the remainder of the incarnation will be focused upon activation of the primary blue ray of freely given communication of indigo ray, communication of indigo ray that of freely shared intelligent energy, and if possible moving through this gateway the penetration of violet ray and intelligent infinity. This may be seen to be manifested by a sense of consecrate or hallowed nature of everyday creations and activity. कॉन्सिक्रेट का क्या मतलब है, एक सेकंड रुकना मैम जरा, क्या हुआ, कॉन्सिक्रेट क्या है ये, कॉन्सिक्रेट मतलब इकट्ठा करना, कॉन्सिक्रेट पक्का, कॉन्सिक्रेट होता है ज्ञान देना, ज्ञान देना है, हाँ सॉरी अब समझ रहा मैम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जवाब है। कह रहे देखो ये जो अगर ये मान लिया जाए ना कि अगर तुम ये मान के चलो कि भाई किसी की हार्वेस्ट होने वाली है अब चौथी सीरीज है चौथी में, अरे नहीं तो जो ज्ञान हाँ। देना नहीं, कॉन्सिक्रेट करना मतलब जैसे हम लोग हवन पूजा करने से पहले एक जगह को साफ करते हैं,
या घर में प्रवेश करने से पहले ग्रह पूजा करते हैं वहां की एनर्जी को अच्छा करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेट। मैम यहाँ पर तो दिखा दे रहा है ज्ञान देना, लिखा है साफ गूगल पे, पवित्र करना भी है, ज्ञान देना और पवित्र करना दोनों है, दोनों है इसका मतलब। तो खैर आगे चलते हैं। वो आगे कहता है कि देखो ऐसे मानकर चलते हैं कि एक बंदा ना हार्वेस्ट के लायक है, चलो ठीक है, और वो नियरली बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि अब भाई हार्वेस्ट के लायक है, ये यहाँ पे पैदा होगा तीसरी गणतवता में, कह रहे तो ये याद रखना उसका दिल का चक्र खुला हुआ होगा और अब वो नीले वाले की तरफ जाएगा, और वो जो नीले वाले की तरफ जाएगा ना अपने पूरे उसके अनुभव ले सीखता हुआ जाएगा, उन अनुभवों को लेते हुए उनसे जो जो सीखता जाएगा ना इस पूरे जीवन काल के अंदर, वो क्या करेगा इसका इस्तेमाल करेगा अपने गले के चक्र का, मतलब थ्रोट चक्र का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, फिर वो जो अगली घनत्वता में जा रहा है कह रहा उसका चक्र का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, और जो ज्ञान उसने सीखा है ना कह रहा वो दूसरों को फ्री में बांटना शुरू करेगा वो, और इस ज्ञान को फ्री में बांटने की वजह से उसका इंडिगो रे, क्योंकि इंटेलिजेंट होता जा रहा है वो धीरे धीरे, इंटेलिजेंट एनर्जी उसके अंदर जा रही है, ज्ञान मिलता जा रहा है, वो आगे अवेक होता चला जा रहा है, आगे निकलता चला जा रहा है, तो वो फ्रीली दूसरों से शेयर करना शुरू करेगा और अनंत रचयिता की अनंतता को भी समझता हुआ जाएगा। कह रहे इस वजह से जब वो उसको भी पेनिट्रेट करने लग जाएगा कि अनंत रचयिता की अनंतता क्या है, कह रहे उसको भी करना जब शुरू कर देगा ना कह रहे तो तब तो वो बहुत आगे निकल के जा सकता है। और कह रहे कि दिस मे हैव बीन सीन टू बी मैनिफेस्टेड बाय अ सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और हैलोड नेचर ऑफ एवरीडे क्रिएशंस एंड एक्टिविटी। कह रहे इसका तुम इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि वो बंदा जो हार्वेस्टेबल ग्रेड का हो चुका है, अब जाने वाला है नेक्स्ट हार्वेस्ट में, कह रहे उसका तुम ऐसे पता लगा सकते हो उसने जितना इस धरती पे पैदा होके दिल भी खुला हुआ है उसका, प्रेम प्यार भी है उसके अंदर, और अब उसने उस ज्ञान को सीख के, मतलब उसने ज्ञान सीखा और दूसरों को फ्री में ज्ञान देना शुरू कर दिया उसने, और अपने ज्ञान को बांट रहा है, चाहे एक से ही बांटे वो, कह रहे हो अगर उस ज्ञान को बांटता चला जा रहा है ना, बांटता चला जा रहा है फ्री में, और धीरे 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 आगे निकल रहा है, मेडिटेट भी कर रहा है, ये सारी चीजें भी कर रहा है, करता चला जा रहा है, कह रहे वो ऑटोमेटिकली अगली घनत्वता के लिए तैयार हो जाता है और फिर अगली घनत्वता में चला जाता है। कहते हैं कि अपॉन द बॉडीली कॉम्प्लेक्स डेथ एज यू कॉल दिस ट्रांजिशन द एंटिटी विल इमीडिएटली अपॉन रियलाइजेशन ऑफ इट्स स्टेट रिटर्न टू द इंडिगो फॉर्म मेकर बॉडी एंड रेस्ट देयर इन अंटिल द प्रॉपर फ्यूचर प्लेसमेंट इज मेड। कहते हैं जैसे ही मृत्यु होती है, कह रहे कि ये जो ट्रांजिशन होता है, मतलब यहाँ से इस शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में जाएगा वो, कह रहे उससे पहले वो सीधा जाएगा अपने इंडिगो वाली बॉडी में, जो सूक्ष्म बॉडी है जिसको आप कह रहे थे ना, मतलब सूक्ष्म उसकी जो पहले उसको सूक्ष्म बॉडी मिलती है वो जाती है इंडिगो रे में, कह रहे वहां जाएगा, वहां पे रखेगा अपनी बॉडी को उस तरफ, कह रहे फिर वहां पे वेट करेगा जब तक उसकी आगे जाके फ्यूचर प्लेसमेंट नहीं होती, जिस तरीके से उसने अपने अनुभव लगाए हैं, जिस तरीके की चीजों को उसको जरूरत है, उसके हिसाब से जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी उसके लिए वो फटाक से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा और वहां पैदा हो जाएगा, इस तरीके से होगा ये। कह रहे कि हेयर we have the anomaly of harvest, in harvest the entity will then transfer its indigo body into violet ray manifestation, as seen in true color yellow, this is for the purpose of gauging the harvestability of the, ek minute ye thoda mere ko samajh nahi aaya, ek second rukna main, here we have the anomaly of harvest, in harvest the entity will then transfer its indigo body into violet ray manifestation as seen in true color yellow. Achha. So, wo keh raha hai ki, haan, this is for the purpose of gauging the harvestability of the entity. After this anomalous activity has been carefully completed, the entity will move into indigo body again and be placed in the correct true color locus in space-time and time-space, at which time the healings and learned teachings necessarily shall be completed and further reincarnation needs determined. तो वो कहता है कि देखो ये जो तुम हार्वेस्ट बोल रहे हो ना, ये हार्वेस्ट हर केस में तो नहीं होती है, तुम्हें भी पता ही है। कहता है कि लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हार्वेस्ट होने वाली है ना, तो वो क्या करेगा, वो उसका अपने सूक्ष्म शरीर में जाएगा, ठीक है, सूक्ष्म शरीर में जाके फिर वो इंडिगो वाले में जाएगा, वो जो उसने पहले वाला बताया था वो एक नॉर्मल केस सिनेरियो में बताया था उसने कि हाँ भाई वो इंडिगो में जाएगा, इंडिगो में जाके उसका क्या कहते हैं ये कैलकुलेशन चलेगा, वो मतलब अपना खुद सारा लगाएगा, सारे माध्यम लगाएगा, सारी अपने लेसन्स देखेगा और नए लेसन्स लगाएगा, जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना रूप बनाएगा और वहां निकल जाएगा। कह रहे लेकिन हार्वेस्ट की केस में क्या होता है कि वो सूक्ष्म शरीर लेके इंडिगो वाली शरीर में जाएगा, कह रहे इंडिगो वाले रे में जाएगा, फिर वहां से वॉयलेट वाले में भी जाएगा, ठीक है, वॉयलेट वाले में जाएगा ताकि वहां पे उसको
पता लगाया जा सके कि हार्वेस्ट एबिलिटी है इसकी या नहीं है, फिर वहां पे चेक किया जाता है कि हार्वेस्ट होगी या नहीं होगी। कह रहे क्योंकि जो उसका पीला रंग है ना, उसके अंदर भी जो पीला शरीर वो लेके पैदा हुआ था, कह रहे उसके अंदर भी वो नीला वॉयलेट वाला रंग था, तो वहां पे पहुंच के वो उस वॉयलेट वाले के अंदर जाएगा, वहां पर भी चेक होगी उसकी पूरी गेजिंग होती है उसकी पूरी, ये भी हाँ ये है इस लायक हार्वेस्टेबिलिटी के लायक या नहीं। कह रहे कि उसके बाद वो कह रहे कि हैज कंप्लीटेड द एंटिटी विल मूव इनटू ट्रू कलर लोकस। हाँ कह रहे इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, तब वो दोबारा कैमरा ऑन है, कह रहे जब ये सारी चीजें हो जाती हैं फिर वो दोबारा अपने इंडिगो वाली बॉडी में वापस जाएगा। कह रहे वहां जाके वो उसका जो ट्रू कलर जो मिलेगा उसको, कि भाई हाँ मेरी हार्वेस्ट होगी तो मैं आगे निकल के जाऊंगा, जो असली रंग जो उसका होगा हरा होगा तो आगे निकल जाएगा, नहीं पीला ही रहा तो पीछे रह जाएगा, मतलब हार्वेस्ट नहीं होगी उसकी। तो कह रहे कि हार्वेस्ट नहीं होगी, रिपीट करेगा अपनी डेंसिटी, ये होता है। तो कह रहे कि वहां पे जब वो दोबारा इंडिगो में वापस आएगा ना, तब उसका असली रंग निकल के आ जाएगा। तो उसको किस जगह पे पैदा होना है और किस समय पे पैदा होना है, कह रहे ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी, और ये सारी चीजें डिसाइड होने के बाद उसकी पहले हीलिंग होगी, पहले तो ये सारी चीजें डिसीजन में चल रही हैं, कह रहे और इसी वक्त पे उसकी हीलिंग भी चल रही होती है, और वो अपनी लर्न और टीचिंग के अकॉर्डिंगली कि उसको क्या सीखना है और क्या सिखाना है उसके हिसाब से अपने माध्यम लगाएगा, माध्यम लगा के वो माध्यम अपने उसको भी देगा, मैम हायर सेल्फ को दे के आएगा। कह रहा फिर आगे का जो उसका पुनर्जन्म होना है वो डिसाइड होगा, और फिर वो पुनर्जन्म लेगा। दोनों केस में अलग अलग है, मतलब एक नॉर्मल केस में अलग है, हार्वेस्ट के केस में अलग है। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। सो हु शल वी से सुपरवाइजेस द डिटरमिनेशन ऑफ फॉर द इनकार्नेशन नीड्स एंड सेट्स अप द सीनियरिटी लिस्ट, शल आई से फॉर इनकार्नेशन। तो डॉन पूछता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन तय करता है कि ये कौन से कलर वाले में जाएगा, ये कौन सी डेंसिटी में जाएगा, इसका हार्वेस्ट होगा या ये पुनर्जन्म लेगा? तो ये कौन तय करता है कि सुपरवाइज कौन करता है? और मैम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी कौन डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये बंदा सीनियर है, इसे जल्दी भेजो यहाँ पे तीसरी गणतंत्रता हाँ, में अपना हाँ, अनुभव ले और आगे निकल हाँ, तो ये पूछ रहे करता कौन है हाँ, तो राय इसका दो भाग में जवाब देगा। कहता है कि फर्स्टली देर आर दोज डायरेक्टली अंडर द गार्जियंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंकार्नेशन पैटर्न्स ऑफ दोज इंकार्नेटिंग ऑटोमेटिकली, दैट इज विदाउट कॉन्शियस सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। यू मे कॉल दीज बीइंग्स एंजेलिक इफ यू प्रिफर, दे आर शैल वी से लोकल और ऑफ योर प्लेनेटरी स्फीयर। कह रहे देखो पहला तो वो है कि जो डायरेक्टली गार्जियंस जो होते हैं ना, जो तुम्हारे रक्षक होते हैं इस प्लेनेट के, कह रहे वो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, उनके डायरेक्टली उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, डायरेक्टली अंडर हाँ मतलब गार्जियंस के नीचे काम कर रहे होते हैं, कह रहे और वो उन इनकार्नेशंस का, उन जन्मों जो पुनर्जन्मों का ध्यान रखते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, यानी नॉर्मल वाले मतलब मैम जिनकी हार्वेस्ट नहीं होनी है, ये उनकी बात कर रहा है। कह रहे कि ये उनका नॉर्मल वालों की जो सीनियोरिटी में नहीं है, ये सब नहीं है उस लेवल के लोगों का, कह रहे वो उनका ध्यान रखते हैं क्योंकि और वो भी विदाउट सेल्फ अवेयरनेस और द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कह रहे कि वो बिना उनकी, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस मतलब वो अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पे, और ना ही दूसरे की कोई स्पिरिच, वो उसकी आत्मा का आगे बढ़ना कैसा होगा उसके बीच में वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो तो बस मदद करेंगे कि हाँ इसको यहाँ पैदा होना है तो यहाँ पे इसको पैदा करवाने के लिए बस मदद करेंगे उसकी। कह रहे यही वो होते हाँ, तो तुम हाँ तो कह रहे यही वो होते हैं जिनको तुम एंजल्स बोलते हो, गार्डियन एंजल्स यही होते हैं। कह रहे ये लोकल होते हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे प्लेनेट के होते हैं, हर प्लेनेट के अपने अपने गार्डियन एंजल्स होते हैं, कहते ये मदद करते हैं एक एक नॉर्मल उसमें पैदा होने के लिए। हाँ जी मैम कुछ कह रहे थे आप? हाँ, जाबो ने एक बार कहा था, अभी कल परसों जाबो ने पूछा था कि वो छोटे छोटे पंख दिखते हैं उनको जाबो, तो वो जो होते हैं जब आपको छोटे छोटे टाइनी टाइनी इधर उधर उड़ते हुए या पड़े हुए दिखते हैं, वो आपके गार्डियन एंजल्स, ठीक है वो कबूतर के होते हैं या जिसके भी होते हैं, लेकिन कबूतर वगैरह या पंछी तो हमेशा से थे, तो हमेशा ऐसे पंख क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ये जब गार्डियन एंजल्स आपके आसपास होते हैं आपका ध्यान रखते हुए, तब आपको ये वाले पंख मिलेंगे। सुशील गुप्ता आपका कैमरा ऑन है, उसे प्लीज ऑफ कर दो। हाँ पा
एक सेकंड रुकना मैम, एक सेकंड। हाँ तो मैम पहले तो उसने एक कैटेगरी बता दी कि भाई एक तो ये होते हैं जिनका ध्यान गार्जियन एंजल्स रखते हैं और वो किसी तरीके इंटरफेयर नहीं करते, बस मदद करते हैं, सहायता करते हैं उस व्यक्ति को यहाँ पे पैदा। जब तक आप मांगोगे नहीं सहायता, वो सहायता नहीं करेंगे, अनलेस आपकी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो, जब आपका टाइम नहीं आया तो वो आपको सेव करेंगे, वरना आप उनसे कुछ भी रिक्वेस्ट करो वो करेंगे, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं करेंगे वो। हाँ आपके दिमाग में कई बार वो बातें आती है ना कि मैंने ये कहाँ रख दिया, और दिमाग में इंट्यूशन आती है शायद यहाँ है, तो कई बार वो गार्डियन एंजल्स आपको गाइड कर रहे होते हैं। कंटिन्यू। हाँ तो वो कहता है कि अच्छा अब हम बात करते हैं सीनियोरिटी वाले लेवल वाले लोगों की, जिनको हम यहाँ भेजते हैं तुम्हारे यहाँ पे, जो सीनियोरिटी लेवल के होते हैं, ताकि वो यहाँ पर जल्दी से आए, अपना सीखे और आगे निकल जाए। कहते हैं ये सीनियोरिटी वाले जो होते हैं ना, इनको तुम ऐसे मान के चलो कि जैसे तुमने एक ग्लास के अंदर ना अलग अलग ग्रेड का लिक्विड डाल दिया हो कोई। अब मैम कोई थोड़ा गाढ़ा होगा, थोड़ा उसके उससे हल्का गाढ़ा होगा कोई लिक्विड, मतलब पानी पानी तो नहीं कह सकते, आप मान लो जेल डाल दिया आपने कोई, होता है ना आजकल हम है तेल, तेल गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ मान लो, किसी की घनत्वता ज्यादा होगी, किसी की घनत्वता कम होगी, इसी हिसाब से उसका ठोस पदार्थ कैसा होता है उसके हिसाब से वो कर दो। तुम ऐसे मान के चलो जैसे ग्लास के अंदर तुमने अलग 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 लेयर बना दी, कह रहे कुछ तो टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है, कह रहे कुछ नीचे बैठ जाएंगे उसमें से, ऐसे ही तो होगा। कहता है कि लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ एंटिटीज विल एंस्यू, कह रहे इसी तरीके से तुम लेयर ही मान के चलो कि लोगों की इसी तरीके की बहुत सारी आत्माओं की लेयर्स होती हैं, कह रहे कुछ नीचे बैठ जाती हैं, कुछ ऊपर निकल के आ जाती हैं, इस तरीके से होता है। कहता है कि जिन जैसे ही हार्वेस्ट पास आने में लग जाती है ना, तो वो लोग जिनके अंदर प्रेम और रोशनी काफी अच्छी तरीके से होती है ना, एंड विदाउट सुपरविजन बी इन लाइन शैल वी से फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इनकार्नेशन, कहते हैं उनके लिए सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है फिर हमें, कि भाई इसका ध्यान रखने की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है, या इसको हम यहाँ पैदा करवाएं और ये करें या इसको मॉनिटर करें। कह रहे वो तो पहली प्रेम और प्यार से इतने भरे हुए होते हैं, कह रहे वो तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर सुपरविजन के लिए आ जाते हैं, मतलब वो यहाँ पर आ जाते हैं, अपना अनुभव लेते हैं और इस जन्म का अनुभव लेके और अपना आगे निकल जाते हैं, फिर ऐसे ही होता है उनका। तो फिर मैं तीसरा वो बोलता है, when the entity becomes aware in its mind body spirit complex totality of the mechanism of spiritual evolution, it itself will arrange and place those lessons and entities necessary for maximum growth and expression of polarity in the incarnative experience. When the entity becomes aware in this mind body spirit complex totality of the mechanism of spiritual evolution, it itself will arrange and place those lessons and entities necessary for maximum growth and expression of polarity in the incarnative experience before the forgetting process occurs. Achha. The only disadvantage of this total free will of those senior entities choosing the manner of incarnation experience is that some entities attempt to learn so much during one incarnative experience that the intensity of catalyst disarranges the polarized entity and the experience thus is not maximally useful as intended. Achha. Kehta hai ki dekho, जब कोई एंटिटी, अभी यहाँ पे मैम ये सीनियोरिटी वाले केस की ही बात चल रही है, जो लोग सीनियर्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं पैदा होते हैं, कह रहे हैं कि जब कोई इसी तरीके की सीनियर जो लेवल की होती है ना, कह रहे हैं वो क्योंकि काम तो अपने टोटलिटी के साथ ही कर रही होती है, मतलब एक तो हो गया टोटल बींग, हो गया हायर सेल्फ, कह रहे काम तो उन्हीं के साथ कर रहे होते हैं, कहते वो अपने अपने खुद ही उनका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन किस तरीके का होगा, मतलब स्पिरिचुअली वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कह रहे कि अरेंजमेंट तो वो सारा खुद ही कर रहे होते हैं, उन सारे लेसन्स का खुद ही लगा रहे होते हैं, सारी चीजें खुद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि मैम वो सीनियर होते हैं, उन्हें पता होता है, लव भी उनके अंदर होता है, लाइट भी उनके अंदर होती है, सारी चीजें उनको नॉलेज होती है इतनी पहले से, कह रहे तो उसको लगा के चल रहे होते हैं वो, कह रहे तो वो मैक्सिमम ग्रोथ और एक्सप्रेशन ऑफ पोलैरिटी, वो कह रहे मैक्सिमम ग्रोथ के लिए सारी चीजें अपनी लगा रहे होते हैं, ताकि वो सारे अनुभव अपने डिजाइन कर रहे होते हैं कि भाई यही अनुभव मुझे लेने हैं, और ये तब तक करते रहते हैं वो जब तक ये फॉरगेटिंग का प्रोसेस नहीं लगता है, मतलब अब तो उन्होंने पूरा बना लिया, अब भूलने का घूंघट लगेगा, कह रही भूलने के घूंघट से पहले पहले सारे अपने जितने भी
कैटलिस्ट हो रहे हैं, ये होते हैं सारी चीजें, कह रहे हैं लगाते लगाते चले जाते हैं, उसके बाद लगता है भूलने का घूंघट। कह रहे इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली बात है ना, जो ये जो क्योंकि ये हैं तो सीनियर, तो इनके पास तो भाई है पूरी आजादी, तुम कर लो, तुम्हें जो कर, कर, कर लगा सकते हो अपने लिए। कहते हैं इसमें सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कह रहा है वो ये कि इनके पास होती तो पूरी आजादी है, टोटल फ्री विल होती है इनकी, क्योंकि ये सीनियर एंटिटीज होती हैं, सीनियर होते हैं ये लोग। कह रहा है कि ये इस तरीके का जो तरीका होता है ना, इनका एक्सपीरियंस जो होते हैं, कह रहा है ये कभी कभी इतने ज्यादा कैटलिस्ट लगा देते हैं, इतने ज्यादा अनुभव डाल देते हैं उसके अंदर कि नहीं नहीं मेरे को ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, क्योंकि अब तो मैं आ गया हूँ। क्योंकि उस टाइम पे तो उनको पता रहता है ना कि भाई मैं आ गया हूँ इस लेवल पे, मैं कर लूंगा। एक होता है ना एक्साइटमेंट में आकर, नहीं मैं कर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अरे आसान लेसन लगा के उसको करने से निकलना ज्यादा आसान है ना, वो लगाते ही चले जाते हैं, लगाते ही चले जाते हैं अपने, और उसके बाद लग जाता है भूलने का घूंघट। कह रहे वहां पे जैसे पैदा हुए, कह रहे कि उसकी वजह से वो हो ही नहीं पाता है, और डिसअरेंज हो जाते हैं, इधर से उधर कन्फ्यूज ही हो जाते हैं पूरी जिंदगी में, कह रहे फिर कर ही नहीं पाते उसको। और मैम इसने पता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या बताया इसके अंदर, कहते जो सीनियोरिटी वाले भी जो होते हैं ना, ये घूम फिर के अपनी जिंदगी में ना स्पिरिचुअल पाथ पे आ ही जाएंगे, चाहे वो इधर चले जाएं या उधर चले जाएं, अरे घूम फिर के आ ही जाएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं से इस तरीके का ज्ञान मिलेगा, वहां जाके पढ़ेंगे उस ज्ञान पे, और जैसे उस ज्ञान पे पढ़ेंगे टक करके इनके अंदर की वो एकदम से लाइट ऑन होगी, और फिर ये उस रास्ते पे निकलना शुरू कर देते हैं, और इनकी हार्वेस्ट की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो मैम काफी लोग, मैं आपको बताऊं, जो लॉ ऑफ वन सुन रहे हैं ना इस वक्त, और अचानक इनके ऊपर सर पे आके आके पड़ तो गई है, लेकिन पड़ते ही जैसे इनके बल्ब जले ना सबके टक टक करके, इनको पता चल जाना चाहिए या तो ये वॉन्डरर्स हैं या ये सीनियोरिटी लेवल के लोग हैं सारे, वरना लॉ ऑफ वन तो कोई देख के क्या है, लॉ ऑफ वन हटाना साइड में नहीं चाहिए, कोई ऐसे सोचेगा। 300 लोगों के ग्रुप में तो तकरीबन 300 लोग हैं, लेकिन इसको लेकर सीरियस कितने हैं, मुश्किल से 30-40। तो हाँ, इतने सारे माध्यम लगाए हुए हैं, यूट्यूब पर भी तो है, YouTube पर भी तो है, कितने सारे देखते हैं, मैं मानती हूँ YouTube पर भी काफी लोग देखते हैं, पता नहीं अभी आई डोंट नो, जितने एक्टिव रहते हैं YouTube पर भी देखने के बाद जो सवाल करते हैं, या ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, या जुड़ने के बाद जो सवाल जवाब करते हैं, जिनका ध्यान ये ठीक है, जब एक इंसान जिंदगी जी रहा है तो आप 50 चीजों की तरफ ध्यान रहेगा, और ये नहीं कह रही कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, सो डॉन पूछता है कि माय गॉड, ये आपने जो कहा ना कि इतने सारे माध्यम, मेरे तो ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है माध्यम लगाने में, जन्म से लेके अब तक के मेरे माध्यम मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, माध्यम पे माध्यम, मतलब वो हजार पटी का नोटिस बना हुआ है, माया की गाली निकलती है मुंह से अपने ही ऊपर, इतनी क्या जल्दी पड़ी थी, थोड़े आसान लगा देती, ठीक है। लेकिन अब लॉ मतलब ठीक है, ये तो मैं पहले भी जानती थी कि ये माध्यम मैंने खुद ही लगाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके ऊपर थोड़ा सा शक होता था, थोड़ा सा होता था कि कहते हैं पर किसे पता, यू नो सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट। हालांकि ये सब बातें मैं मानती नहीं थी, मैं सिर्फ कर्म में मानती थी कि अपने कर्म अच्छे करते चलो, लेकिन जब भी जानने लगी और मानने लगी तो समझ में आया कि हाँ मैंने अपने खुद ही लगाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि यू नो दूसरों के भी तो कर्म है, ये नहीं पता कि दूसरों के कर्म भी मैंने ही लगाए हैं, ये तो अब जाके दिमाग की परतें खुल रही हैं। चलो ठीक है, जो होगी देखी जाएगी। An analogy to that would be a student entering college and signing up for more courses than he could probably assimilate in this time. तो वो कहते हैं उदाहरण के तौर पे, एक इंसान जो कॉलेज जाए और इतने सारे कोर्सेज ज्वाइन कर ले जितना वो एक्चुअली पढ़ नहीं सकता, लेकिन कर लेता है ज्वाइन के, हाँ हाँ मैं कर लूंगा, तो क्या ये सही है? तो रा कहता है हाँ। तो डॉन कहता है कि आप मुझे बता सकते हो कि ये जो अलग अलग बॉडीज, ये एक मिनट, ये रही बॉडीज, यहाँ पे वेरियस बॉडीज हैं, रेड से लेके ये रेड यहां से वायलेट तक,
ये चक्र के साथ क्या इनका ताल्लुक है, ये जुड़ी हुई हैं सेंटर्स रेड, मतलब सारे सातों चक्र आर दे लिंक्ड इन सम वे। अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने इसी वजह से ये वाला पिक्चर खोल के रखा था। आई डोंट नो इफ यू आर सीइंग इट, बट ये ऐसे शुरू होता है। ये आपकी वहां पे सात बॉडीज दी हैं, लिखी बोली हैं, मेन सात चक्रों की आमतौर पे दुनिया बात करती है, लेकिन हकीकत में 10 बॉडीज होती हैं और ये इतने सारे चक्र होते हैं। अगर आपको याद होगा मैं कुछ दिन पहले आपको बता रही थी कि आठवां चक्र जो होता है वो रोज पिंक कलर का होता है, नाइन्थ चक्र होता है गोल्डन कलर का, मतलब उसमें थोड़ा सा रेड एंड गोल्ड होता है, उसके बाद 10, उसके बाद विच इज आई थिंक व्हाइट एंड गोल्ड, एंड उसके बाद ये नेक्स्ट 11th चक्र। इसके नीचे अगर आपको याद होगा तो मैं कुछ कल परसों बता रही थी कि रूट चक्र के नीचे एक आपके घुटने में होता है, आपके पैरों तलवों के नीचे होता है, और एक उससे भी नीचे होता है। तो ये रहे वो चक्र, और ये यहाँ से शुरू होके ये चक्र यहाँ पे जुड़ता है, ये चक्र मतलब ये जो आपकी बॉडी है वो यहाँ जुड़ती है, माइंड ऑफ गॉड द गोल्डन नाइन नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है, और वो एक दूसरे से ये सारी बॉडीज और ये सारे चक्र इस तरह से जुड़े हुए हैं। ऊपर का जो होता है आमतौर पे वो मैस्कुलिन चक्र होते हैं, नीचे के फेमिनिन होते हैं, क्योंकि ये कोख है, ये माँ है, ये क्रिएशन जो करते हैं, वो बच्चा तो माँ की पेट में होता है ना, तो ये धरती के साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि धरती भी माँ है और सन जो है वो फादर है। एस्ट्रोलॉजी में भी मून मदर होती है, सन फादर होता है, तो सन और सन से रिलेटेड ऊपर के सारे चक्र ये फादर होते हैं, सो दैट इज व्हाई इट्स लाइक दैट। ओके, एंड हियर आर ऑल योर चक्रस एंड बॉडीज। तो वो पूछता है डॉन जो है उससे यही सवाल पूछ रहा था, तो रा ने कहा ये आखिरी सवाल है, पा आप समझाइए क्या बोल रहा है वो। हाँ तो मैम ये आखिरी सवाल है, मैम ये किसी का माइक ऑन है? करती हूँ, आप जारी रखो। हाँ तो मतलब उसने यही पूछा कि भाई ये जितनी भी बॉडी है हमारी इनका हमारे चक्रों से क्या लेना देना है। तो रा कहता है कि एज वी हैव नोटेड ईच ऑफ द ट्रू कलर डेंसिटीज हैज द 7 एनर्जी सेंटर्स एंड ईच कलर डेंसिटीज हैज द 7 एनर्जी सेंटर्स एंड ईच एंटिटी कंटेन्स ऑल दिस इन पोटेंशिएशन द एक्टिवेशन वाइल इन येल्लो रे ऑफ वायलेट रे इंटेलिजेंट इन्फिनिटी इज अ पासपोर्ट टू द नेक्स्ट ऑक्टेव ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट ऑक्टेव ऑफ एक्सपीरियंस, अच्छा ठीक है। तो राय ये कहता है कि देखो जो असली रंग है ना हर घनत्वता के, कह रहा वो सात रंग के चक्रों के द्वारा ही दिखाए जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो ऊर्जा होती है ना वो रहती ही रहती है, और ये हर व्यक्ति के अंदर रहती है, कह रहे ठहरी हुई ऊर्जा है ये, कह रहे ये तो एक्टिवेट तब होती है जब वो येल्लो रे यानी शारीरिक रूप में आता है, कह रहे तब वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होके फिर वो निकलती चली जाती है। कह रहे कि एक्टिवेट होते होते अगर किसी ने वॉयलेट रे इंटेलिजेंट इन्फिनिटी एक पासपोर्ट है नेक्स्ट ऑक्टेव ऑफ एक्सपीरियंस, कह रहे कि अगर उसने किसी तरीके से अपना इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से रिश्ता जोड़ लिया तो वो पासपोर्ट मिल गया उसको अगली घनत्वता में, नहीं अगले ऑक्टेव में जाने के लिए। ऑक्टेव समझ रहे हो मैम, यहाँ पे घनत्वता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चौथी घनत्वता पांचवी घनत्वता की बात नहीं हो रही है, वो कह रहा हो तो ये सारी तोड़ ताड़ के अगर उसने अपना वॉयलेट रे एक्टिवेट कर लिया, वॉयलेट रे उसका एक्टिवेट हो गया यानी कुंडलिनी अगर उसका एक्टिवेट हो गया, वॉयलेट ही है ना, नहीं सॉरी क्राउन चक्र, हाँ अगर सॉरी क्राउन चक्र इन येलो ऑफ वॉयलेट रे इन्फिनिटी इज अ पासपोर्ट वाइल इन येलो ऑफ वॉयलेट रे इन्फिनिटी इज अ पासपोर्ट टू द नेक्स्ट ऑक्टेव ऑफ एक्सपीरियंस, कह रहे हाँ कि वो जिसको वॉयलेट वाला होता है ना, वॉयलेट क्राउन चक्र होता है, क्राउन चक्र अगर बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैलेंस में आ गया उसका, कह रहे तो फिर वो नेक्स्ट घनत्वता में नहीं जाएगा, कह रहे वो तो इसको तोड़ ताड़ के आगे निकल के सीधा नेक्स्ट ऑक्टेव में भी पहुंच सकता है, उसके साथ ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है उसके लिए। कहता देयर आर एडेप्ट्स हु हैव पोटेंशिएटेड मेनी मेनी ऑफ एनर्जी सेंटर्स एंड सेवरल ऑफ द ट्रू कलर्स पेनिट्रेटेड, हां देयर आर एडेप्ट्स हु हैव पेनिट्रेटेड मेनी मेनी ऑफ द एनर्जी सेंटर्स एंड सेवरल ऑफ द ट्रू कलर्स
This must be done with utmost care while in the physical body. For as we noted when speaking of the dangers of linking red, orange, yellow circuitry with true blue circuitry, the potential for disarrangement of the mind-body-spirit complex is great. However, the entity who penetrates intelligent infinity is basically capable of walking the universe with unfettered tread. Oh, badhiya baat boli. However, the entity who penetrates intelligent infinity is basically capable of walking the universe with unfettered tread. Tread unfettered क्या होगा? एक सेकंड में जरा मतलब देखिए. Tread मतलब चलना. निरंकुश. हाँ ठीक है. Unfettered tread मतलब बिना किसी डर के चलना, आगे बढ़ना. हाँ निकलता चला जाता. कहते देखो कुछ लोग adepts वो होते हैं मैम जो meditation वगैरह हम करना शुरू कर देते हैं वो धीरे धीरे जब हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो adepts प्योर meditators जो बन जाते हैं. कहते हैं कि वो उनमें से काफी ऐसे हैं कह रहे जो कि काफी काफी एनर्जी सेंटर्स को ना पेनिट्रेट कर देते हैं और काफी सारे इन रंगों को जो बॉडी के बाहर के जो कलर्स होते हैं ना ये कह रहे ये सारे रंगों को कह रहे ये पेनिट्रेट कर देते हैं ये इनको भी घुस जाते हैं इसके अंदर. कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें इस काम को बहुत ध्यान से करना चाहिए जब तक तो बहुत ध्यान से करना चाहिए जब तुम इस शारीरिक रूप में हो. कह रहे कि हम तुम्हें ये बता दें इसका डेंजर इसलिए है क्योंकि तुम्हारा सबसे नीचे वाला मतलब लाल ऑरेंज और येलो कहता है इसका सर्किट जाके मिलता है तुम्हारे नीले वाले से. इसका जो सर्किट जाके असली मिलता है वो नीले वाले से मिलता है. कहता है कि इस वजह से हम तुम्हें कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हारा सर्किट में अगर कहीं ऊपर नीचे चीजें हुई कह रहे तो तुम्हारी माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इसमें काफी हद तक उल्टा सीधा हो सकता है तुम्हारे साथ. इसलिए लोग मैम पागल हो जाते हैं ना अपना वो करवा लेते हैं क्या कहते हैं कुंडलिनी एक्टिवेट करवा लेते हैं और फिर रोते घूमते रहते हैं कि मेरे को तो ये हो गया और मुझे तो वो हो गया. किसी को माता चढ़ गई किसी को कुछ हो गया किसी को कुछ हो गया फिर ये ड्रामा शुरू हो जाता है उन लोगों के साथ. इसको ध्यान से करना चाहिए ऐसे एक एक कभी वो कहते हैं मैम एक एक चक्र के ऊपर काम करो ये नहीं कि सीधा कि यहीं से जंप मार के सीधा ऊपर पहुंच गए. कह रहे फिर वो दिक्कत में रहते हैं परेशानी में रहते हैं. कह रहे ये लेकिन उसके आगे भी वो ये कहता है हालांकि हम तुम्हें ये बता दें अगर कोई इस अनंत बुद्धिमानिता को मतलब अगर इसको कोई पेनिट्रेट कर दे मतलब इंडिगो कर दिया उसने पेनिट्रेट तो हाँ उसके पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को बिना डरे और बिना रुके आराम से क्रॉस करते हुए जा सकता है आराम से. लेकिन वो हरा नहीं होगा निकल जाएगा ना मैम. देखो हरा वाला तो एक्टिवेट करना जरूरी है वो डिपेंड करता है ना वो किसी भी डायरेक्शन में हरा उसका एक्टिवेट हो या ना हो अगर उसका इंटेलिजेंट इंफिनिटी से हो गया तो निकल के तो सीधा नेक्स्ट ऑक्टेव में पहुंच जाएगा ना. फिर उसमें उसको बीच के लेसन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके सामने तो पूरा ब्रह्मांड ही खुल गया ना. फिर तो जिसके सामने ब्रह्मांड खुल गया उसकी तो सारी डेंसिटी एक साथ ही नजर आ गई ना फिर. नहीं लेकिन अगर आपको पॉजिटिव साइड जाना है तो आपका ग्रीन एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है बिकॉज लव का ताल्लुक तो सारा ग्रीन से ही है. मैम पॉजिटिव नेगेटिव भी तो जाके छठी गणना से बता यूनिटी में चले जाते हैं ये भी तो देखो. अच्छा अगर वो यूनिटी में चले जाएंगे और इसने इंटेलिजेंट इन्फिनिटी वो कर दी पेनिट्रेट वो निकल के सीधा ही आगे निकल गया यूनिटी से भी. क्रिएटर की यूनिटी को भी समझ गया इन्फिनिटी को भी समझ गया जितने सारे ये वो ब्रह्मांड है मतलब जितनी भी सारी चीजें उसको विजुअल हो गई उसको नजर आ गई वो तो तोड़ ताड़ के आगे निकल जाएगा ना पूरे ब्रह्मांड को क्रॉस करते हुए निकल जाएगा क्रिएटर के थॉट में दोबारा मतलब वो ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा वहां से बिल्कुल निकल के भी बाहर निकल जाएगा क्रिएटर के थॉट में चला जाएगा ओरिजिनली फिर वहां से उसका मन होता है फिर वो दोबारा निकल के नया अनुभव लेने के लिए निकल जाता है. ठीक है रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं एक मिनट. हाँ सेशन खत्म हुआ.